بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. दूसरा लेक्चर अब चलते हैं दूसरे लेक्चर में. पहला वाला था वो पहला लेक्चर जो पिछले हफ्ते लिया था, अब ये दूसरा लेक्चर है नबर और लहन. लेक्चर के मौजूद पहला मौजू नबर तमाम जबानों में भेजा जाता है. दूसरा मौजू कुरान कारकदी के जामियत एक जायज तकादा है. तीसरा मौजू जो लेंगे आज इकबाल उन लोगों को क्या दावा मनसूख है जो समझते हैं ये है कि अरबी जुबान में नबर नहीं होता. नबर और लहन उसके लेंगे एक चीजें. पहली चीज लहन का माना लुगत में, दूसरी चीज लहन का माना उलमा तजवीद में, तीसरी चीज दो किस्म के लहन का हुक्म, चौथी चीज नबर और अहकाम की तजवीद. चौथा वाला मौजू जो आज नहीं होगा लफ्ज के हिफाजत. पांचवा वाला मौजू सही पढ़ने के लिए उलमा के पढ़ने का मेयारात. अरबी मौजू पढ़ने जबानों के इख्तरा नहीं है, ये पहला वाला मौजू. इस मौजू पर अब लेंगे कुछ मिसालें जो है अंग्रेजी अल्फाज जो इन्होंने नबर के मौजू को तब्दील करने करके अपने माना तब्दील हैं तो बदलते हैं. जो पहला सेक्शन है उस पर हम लोग नबर डाल देंगे, और नबर जो हम लोगों ने कहा था कि नबर का मतलब क्या है कि उस पर थोड़ा सा जोर डालेंगे या थोड़ा सा दबाव. उस पर जब हम लोग सुनने में आएगा ना, जब आप लोग पढ़ोगे तो उस पर क्या होगा, थोड़ा सा कुव्वत होगा. और दूसरे पर भी वैसे ही रखेंगे, लेकिन जो पहला वाला है ना वो असल में सही है. ये जो यहाँ जो है ना वो पहला वाला था, इस पर अगर हम लोगों ने अगर नबर डाल दिया तो ये वाला सही होगा, और ये वाला जो दूसरा वाला है ये वाला यहाँ पर नबर डालना यहाँ गलत होगा. ठीक है, अब यहाँ जो ये कलिमा जो अंग्रेजी में लिखी हुई है ना उस पर भी नबर होता है. जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ अरबी जुबान में नबर नहीं होता जो हम लोगों ने लिया था. जो भी दो दूसरे लहजे आते हैं किसी भी लहजे में अरबी जो वो अरबी है या अंग्रेजी या फिर किसी भी और दूसरी लहजे में होता है, जो भी लहजा होता है हर किसी लहजे में नबर पाया जाता है. तो यहाँ भी अगर ये भी है जो कलमा है यहाँ अंग्रेजी वाली, तो वहां जब पहले सेक्शन में हम लोग उस पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे या फिर थोड़ा सा जोर डालेंगे जो अरबी में हम लोग कहते हैं नबर डाल देंगे, तो वहां अगर जैसे कि हम वहां नबर डालकर और पढ़ेंगे और सुनने में भी जब आएगा ना तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ. ठीक है, तो यहाँ जो कलमा है हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट. पहले सेक्शन में हम लोगों ने थोड़ा सा जोर डाल दिया, दबाव डाल दिया, मतलब अरबी में नबर डाल दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, चीज या मौजू. ठीक है, और अगर सामने जब देखा जाएगा इसके सामने दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने अगर थोड़ा सा दबाव या जोर डाल दिया, जैसे कि अरबी में कहते हैं कि नबर डाल दिया, तो उसकी मतलब उसका माना बदल जाएगा. जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ उसका मतलब क्या है, मना. तो दूसरा जो कलिमा है हम लोगों के पास प्रेजेंट, उसका मतलब क्या होता है, हाजिर या मौजूद. दूसरा जो कलिमा है हम लोगों के पास यहाँ प्रेजेंट, यहाँ क्या है, पेश या करता है, पेश करता है. इम्पोर्ट उसका मतलब जैसे कि वही लिखा हुआ है यहाँ, और ये यहाँ तो सही नंबर है, और जो सामने है लोगों के साथ दूसरे सेक्शन में हम लोग नंबर डालेंगे वो है इम्पोर्ट, तो उसका मतलब है ड्रामेट. रिकॉर्ड उसका मतलब भी वही है जो उस यही लिखा हुआ है, और यहाँ नंबर डालना सही है. और यहाँ जो सामने आता है रिकॉर्ड उसका मतलब यहाँ रजिस्टर करें. दूसरे भी यहाँ जो कलिमा थे अंग्रेजी में उसके अल्फाज जो यहाँ पहले सेक्शन में अगर नंबर डाला गया तो यहाँ अल्फाज उसके अपनी जगह कायम रहेंगे, उसके अपने माना अपनी जगह पर कायम रहेगी क्योंकि सही जगह पर नंबर डाला गया है. और यहाँ दूसरी जगह पर जब हम लोगों ने दूसरे सेक्शन में नंबर डाल देंगे वहां क्या हो जाएगा, इसकी माना तब्दील हो जाएगी.
उसकी मायना बहुत बदल जाएगी और यहाँ नंबर डालना गलत होगा। यहाँ इस कलिमा में जो है अंग्रेजी वाले, अगर पहले सेक्शन में जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था उस पर अगर हम लोगों ने जोर डाल दिया तो उसकी माना अपनी जगह पर कायम रहेगी, जैसे कि यहाँ इसकी माना ज्यादा है। और सामने से अगर दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने नंबर डाल दिया तो उसका माना क्या होता है, पढ़ाता है। और दूसरा जो किलमा है यहाँ हम लोगों के पास, उसके असली मतलब क्या है, जदीद करे, अपडेट, उसका मतलब क्या है यहाँ, जदीद करे। लेकिन अपडेट यहाँ माना क्या हो जाता है, अगर दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने नंबर डाल दिया तो यहाँ माना बदल जाएगी, तो हो जाएगा जदीद होना। उसके बाद जो कलिमा आती है सेगमेंट, सेगमेंट ठीक है, उसका मतलब यहाँ जो आता है असली मतलब वो है हिस्सा या टुकड़ा। और दूसरी जगह पर अगर सेगमेंट अगर ऐसा पढ़ाया गया नंबर डालकर तो उसकी माना बदल जाएगी और उसका माना क्या हो जाएगा, टुकड़ों में कट। और उसके बाद जो भी आती है किन्मा ऊपर भी, अगर पहले सेक्शन में हम लोगों ने नंबर डाल दिया तो उसके माना यहाँ सुलूक आता है, और अगर दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने नंबर डाल दिया तो उसके माना यहाँ क्या जो होता है, होए के वजह से, होने के वजह से। और यहाँ भी अगर पहले सेक्शन में हम लोगों ने नंबर डाला गया और पढ़ा गया उस पर तो उसका माना अपनी जगह पर कायम रहेगा, उसका माना आएगा मशमूलात। और दूसरे पर अगर दूसरे सेक्शन में नंबर डाला गया उसके माना बदलती जाएगी तो उसके माना यहाँ क्या हो जाएगी, खुश या राजी। और उसके बाद जो भी यहाँ कलिमा लिखी हुई है पहले सेक्शन में नंबर डाल दो तो उसकी माना अपनी जगह पर कायम रहेगी, तो उसके माना यहाँ क्या हो गई, करीन या फिर करीना। और अगर दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने पढ़कर नंबर डाल दिया पढ़ने पर तो सुनने में भी आएगा उसकी माना बदल गई, अपनी जगह पर कायम नहीं रही, तो उसका माना यहाँ क्या हो गया, साथ। यहाँ भी और भी कलिमा थे आते ला दूसरे मौदू में, दूसरा मौदू का क्या नाम क्या था, कुरान कारकदी के जामियत एक जायज तकाजा है। तो उस पर कुरान से हम लोगों ने आयतें ली है जो दलील के तौर पर। तो पहली आयत जो है फिर देखिए उसका मतलब यहाँ नंबर से क्या लिया गया है। तो जो पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। ये जो पहली आयत थी यहाँ जिक्र किया गया इस आयत में हक तिलावती, हक तिलावत की मतलब यहाँ इस नंबर से अदान मुस्तकीम से क्या जुड़ा गया है, वो हलाल को हलाल करते हैं और हराम को हराम ही करते हैं, और उसको पढ़ो जिससे कि अल्लाह ने नाजिल किया है। दूसरी आयत पर आते हैं فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, दूसरी जो आयत है यहाँ उसने क्या कहा है उसकी तफसीर, अगर मलक तुम्हें पढ़ कर सुनाए और तो सुनाए तो उस तरह पढ़ो जैसे कि उसने तुम्हें सुनाया था, जिसने उसने तुझे सुनाया था, मतलब है ऐसे पढ़ना आप लोगों का क्या है, मतलब है उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए जैसे कि अदाए मुस्तकीम में सीखे है और उस पर कायम रहे। अदाए मुस्तकीम पर क्या सीखे रहे और अदाए मुस्तकीम पर कायम रहे। यहाँ आते हैं जो उसके बाद जो मौदू है तजवीद के बारे में, नबर से क्या लेना देना है उसको। तजवीद का यहाँ मसदर में क्या है, जवदा मतलब तजवीदन, और उसके अगर हम लोगों ने इस्म ले लिया तो उसका माना है अलजवदा जो है तुतल फराआ। तो यहाँ कुछ लोगों ने क्या किया गया है तजवीद के बारे में, तजवीद का मतलब यहाँ तजवीद हर वो चीज है जिसका ताल्लुक कुरान लफ्ज से है, उनके लिए ये कुरान की तिलावत अच्छी अल्फाज के साथ बड़े तलफ्फुज से पाक होने का इजहार है
हम कुरान के माने और कुरान से मुताल्लिक हर चीज और कुरान के अदा में भी इबादत करते हैं। उसके बाद आता है वो कहता है कि फिर लोगों को तीनों किस्म में बांटा गया है, ठीक है, फिर लोगों को तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है। ये तीन तकसीम क्या होता है, किस जगह से किसके लिए, कुरान अदा के सालिमियत के साथ उनके मामलात हैं, उनके मामलात में तीन किस्मों में बांटा गया है लोगों को। तो पहले किस्म के लोग क्या होते हैं, मुहसिन अजर वाले, ठीक है। दूसरे किस्म के क्या कौन लोग होते हैं, बदसुलूकी गुनहगार। और तीसरा जो किस्म है वो है माजरत वाले। ये इसने किसने कहा है, अन्नशर القراءات العشر لابن الجزري الجزء الأول, जो इमाम इब्न जजरी रहमतुल्लाह अलैह, उसने अपने पहले जुज में उसने ये तजवीद के बारे में नबर के अदर मुस्तकीम के साथ ये पेश किया गया है। अब आते हैं इब्ताल, उन लोगों का मुकदमा मंसूख करना जो देखते हैं कि अरबी जुबान में नबर नहीं है, ठीक है। अब लोग हम लोग लेते हैं इस मिसाल। अब आते हैं इब्ताल, उन लोगों का मुकदमा मंसूख करना जो देखते हैं कि अरबी जुबान में नबर नहीं है, ठीक है। अब लोग हम लोग लेते हैं इस मिसाल के तौर पर कुरान से आयतें, और आयत में से एक कलिमा लेंगे मिसाल के तौर पर, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इसमें फर्क क्या है और उसमें फर्क, जो दूसरे सामने से जो उसकी आयत है उसमें फर्क क्या है। हाँ, हम लोग इस आयत में से ये कलिमा लेंगे और सामने से इस आयत में से ये कलिमा लेंगे और साथ में देखेंगे इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। और अगर ये हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा तो उसका माना अपनी जगह पर कायम रहेगा, यानी, और अगर ये दूसरी जो कलिमा है सामने अपनी जगह पर नबर डालकर पढ़ लिया अपनी जगह पर माना कायम रहेगी, लेकिन अगर इसको जो हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा था फिर दूसरे गलत तरीके से भी पढ़ेंगे और देखेंगे अपनी जगह पर कायम माना रहेगी या नहीं, और इसको भी उसी तरह सब लोग उसी तरह हम लोग देखेंगे, और सामने से मतलब इस आयत के साथ इस कलिमा के साथ और सामने से वाली इस कलिमा के साथ भी देखेंगे कि इन दोनों में से फर्क क्या है नबर के जरिए और अदा मुस्तकिल पर। तो पहले जो आयत आती है उसमें से जो कलिमा है उदखली उदखली, हमने अभी दो तरीके से पढ़ लिया उदखली, ये जो गलत था, हम लोगों ने हरफ अल अलिफ पर हम लोगों ने नबर डाल दिया था, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था उदखुली, खा पर हम लोगों ने क्या थोड़ा सा जोर डाल दिया, और सुनने में खा पर ज्यादा कुवत थी, मतलब ये अरबी में क्या हुआ, अरबी में हम लोगों ने क्या डाल दिया, नबर से हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ असल में जो सही है, जैसे कि हम लोगों ने हरफ खा पर लाल कलर से हम लोग वो देख रहे हैं लिखा हुआ है, मतलब इस पर नबर होगा, तो कैसे पढ़ने हो आप, पढ़ना है आप लोगों को ऐसे उदखली उदखली सरह। और ये जैसे कि कुरान में उसकी माना जिक्र की है की गई है, किसके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है इस कलिमा को जो आयत में आई है, ये जो वहां की अमीर वहां के जो थी बल्कीस उसको भी कहा गया है यहाँ की उदखली उदखली, ठीक है। तो यहाँ किसके लिए, मतलब खातों के लिए किया गया है ये कलीमा को, लेकिन जो सामने से आएगी ना कलीमा उदखुलिल जन्ना, ये एक आदमी को कहा गया है कि क्या उदखुलिल जन्ना जो आयत में जिक्र किया गया है, तो यहाँ एक खातून के लिए तो हो गया उदखुली, और यहाँ अगर जब आदमी को वहां जो आयत में उसकी माना है तो आदमी को कहा गया उदखुलिल जन्ना, तो यहाँ नबर जो है अलिफ पर होगा और ना यहाँ जो नबर है खा पर होगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ अलिफ के खा के बदले अलिफ पर डाल दिया तो क्या हो जाएगा उदखली, तो मतलब यहाँ खातों के लिए ये माना नहीं होगी ना, जैसे कि ये पढ़ी गई यहाँ भी, यहाँ गलत तरीके से इसको डाल दिया इस जगह पर, और यहाँ मतलब इस खातों के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, मतलब आदमी के बोलिए बोल रहे हैं।
ये जो दमिर है, तो यहाँ अगर हम लोगों ने अलिफ को हटाकर खा पर डाल दिया तो क्या हो जाएगा कि हम खातों के लिए बोल रहे उदुखुली, मतलब हम लोगों ने यहाँ अभी जो दूसरे अदा से दूसरे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, चेंज कर लिया, तो उस पर क्या हो गया, ये बदला हुआ तरीका, मतलब जो गलत वाला तरीका था अलग अलग हो गया, जो यहाँ खातों के लिए था माना, वहाँ अगर हम लोगों ने गलत तरीके से पढ़ लिया तो वो आदमी के लिए हो गया, और यहाँ जो आदमी के लिए वो असल में था ये जो कलीमा है, और अगर गलत तरीके से नबर से हम लोगों ने पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, खातून के लिए, ठीक है, तो असल में यहाँ कैसे पढ़ा जाएगा, फिर से पढ़ेंगे जो सही तरीके से है, और जो यहाँ पढ़ा जाएगा सही तरीके से, यहाँ से पहले अब यहाँ लेते हैं गलत तरीके से, गलत तरीके से कहेंगे उदुखुली सर्ह, और यहाँ लेंगे जन्ना, ये सही तरीके से हो गया, लेकिन अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे उदुखुली जन्ना, अब लेंगे दूसरी आयत, उसमें से ये जो करीमा है अल, और जो सामने से जो करीमा है अवहल, अब जो यहाँ है ना करीमा, जो यहाँ लहा और यहाँ भी लहा जिक्र किया गया है, इन दोनों में से फर्क देखते हैं, नबर तो वही है हर्फ लाम पर, लेकिन फर्क देखेंगे कि इसके माना यहाँ क्या आ जाती है, और यहाँ जो लहा है दूसरे जगह पर उसकी माना यहाँ क्या होती है। अब यहाँ जो कलीमा है पहले जगह पर अल, यहाँ जो लाम है ना, जैसे कि हम काफ पर भी नबर है क्योंकि ये सिर्फ एक ही कलीमा है, दो कलीमा नहीं है, दो किस्म में क्या कलीमा नहीं, सिर्फ एक ही कलीमा है, तो काफ पर अगर हम लोगों ने नबर डाला और ऐसे पढ़ा तो सुनने में क्या आएगा, और भी उसके बाद हर्फ भी है जो हम लोगों को पढ़ना है और लिखना भी है, तो वो क्या है लहा, तो साथ में ये साथ में जोड़कर हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए ऐसे लहा, 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 ठीक है, ये सिर्फ एक ही कलिमा हो गई, सुनने में भी ऐसे आ गया कि काफ के बाद क्या है, और भी कुछ है जो आप लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को पढ़नी चाहिए, वो क्या है लहा, तो यहाँ जो लहा जिक्र किया गया है ये अकेली कलिमा अपनी जगह पर नहीं, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो एक कलिमा हो गई, क्या हो गई एस लहा, लेकिन सामने से जो आएंगे ना हम लोग देखेंगे कि यहाँ लहा का मतलब क्या है, पहली कलिमा है अवहा, दूसरी कलिमा है लहा, ये साथ में जोड़ी गई नहीं है लिखने में और पढ़ने में भी, ये पहली कलिमा है अवहा और लहा दूसरी कलिमा है, मतलब अलग अलग कलिमा होती है, अवहा अलग कलिमा और लहा अलग कलिमा, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे अवहा लहा, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ऐसे अगर पढ़ोगे तो मतलब ये एक ही कलिमा हो गई, लेकिन वो असल में जो सही तरीके से नबर डालकर हर पल हमजा पर ये पहली कलिमा पर, और यहाँ हर पल लाम पर नबर डालकर ये दूसरी कलिमा पर हम लोग पढ़ेंगे, तो सही तरीके से अवहा लहा, ठीक है, तो सही तरीके से यहाँ अगर पढ़ा जाएगा तो इस तरीके से लहा, फिर कहेंगे वलैसत, वलैसत के मतलब माना क्या है, ये अरबी में अगर हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा, फिर जब शुरू करेंगे दूसरे तरीकों से जो गलत तरीका है नंबर डालकर, तो हम लोग उससे पहले गलत वाले तरीके से शुरू होकर से पहले हम लोग ये कलिमा कहेंगे वलई सच, ठीक है, वलई सच, क्यों, मतलब कि उसके बाद जो तरीका आएगा सही हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद जो दूसरे तरीका आप लोग शुरू कर रहे हो लई सच, मतलब वो बिल्कुल गलत हो, वो तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है जो आप लोग गलत तरीके से रबर डालकर पढ़ोगे, तो उससे पहले हम लोग कहेंगे उलैसक, ये सुनने में आए और जो भी शख्स पढ़ रहा है और उसको समझ में आ रहा है, आप लोग उसको समझा रहे हो तो उसको भी पता चले कि हाँ अब ये गलत वाला तरीका शुरू करे रबर डालकर गलत जगह पर, तो कहेंगे उलैसक,
अवहा लहा, ठीक है। देखिए दूसरी उसके बाद जो आयत है, फसजुदू लिल्लाहि वाअबुदू, ठीक है, वाअबुदू अल्लाह की इबादत करनी है अपनी जगह पर, ये माना अपनी कायम होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हर पर बा पर हम लोगों ने क्या कहा, कर दिया, नबर डाल दिया। नबर डालकर यहाँ ये सही तरीका है पढ़ने का और सही जगह है नबर डालने का, तो पढ़ना क्या चाहिए कैसे, ऐसे वाअबुदू वाअबुदू बा पर। सुनने में भी आपको आएगा कि बा पर थोड़ी कुव्वत है, क्यों? उस पर हम लोगों ने पढ़कर जुबान से जहां से वो बाकी मखरज है ना वहां से थोड़ा सा जोर डालकर, मतलब नबर डालकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसे सही जगह पर नबर डालकर, वाबुदू, ठीक है। और सामने से वलैसत, मतलब सामने से ये कलिमा इसकी तरह इस कलिमा से नहीं जुड़ गई है, ये कलिमा अलग है अपनी जगह पर, माना इसकी कायम है, और सामने से ये कलिमा अपनी जगह पर कायम है, ठीक है। तो ये जो कलिमा है इसके साथ अगर इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा गया, पढ़ लिया, तो मतलब यहाँ दोनों ही जगह पर मानना अलग हो जाएगी और अदाए मुस्तकीम भी कायम नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या कहा था, सबसे ज्यादा चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर सही जगह पर है, आप लोगों को देखना होगा कि वो जो कलीमा है आप लोगों ने उस पर नंबर डालकर पढ़ लिया और समझ लिया अपने, पहले देखिए कि वो अदाए मुस्तकीम अपनी जगह पर कायम है, और दूसरी चीज उसकी जो माना है अपनी जगह पर कायम है या नहीं, ये दोनों चीज आप लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए। और उसके बाद उसके जो तजवीद भी आएंगे अपनी जगह पर, वे तजवीद पढ़ने पढ़ने पर सही तरीके से आ गया या नहीं, या फिर लिखने के तरीके सही आ गया या नहीं, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलेगी, और उसके कवायद मीजान भी है, सुयग है, आगे आगे आप लोगों को भी दूसरे लेक्चर्स में दुरुस्त में पता चलेगा। तो सामने अगर हम लोग आएंगे इस आयत में जो करीमा है, दालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फाअबुदू फाअबुदू, हम लोगों ने अभी क्या कहा, नबर डाल दिया डाल पर, फाअबुदू, ठीक है, दाल पर हम लोगों ने नंबर डाल दिया। और सुनने में भी क्या आ गया कि दाल पर ज्यादा कुव्वत थी। अगर ऐसे जिसे हम लोगों ने अभी भी ये पढ़ा बागुदू, अगर यहाँ हम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बा को छोड़कर, यहाँ जो कलिमा है वागुदू, बा को नंबर मत डालो, ठीक है, और कहाँ डालेंगे, हर पे दाल पर नंबर डाल दिए। और सुनिए, अगर दाल पर हम लोगों ने नंबर डाल दिया तो कैसे आ जाएगा, ऐसे वाबुदू वाबुदू, दा पर हर पे दाल पर ज्यादा कुवत थी, हम लोगों ने उस पर क्या डाल दिया, नबर डाल दिया, तो उस पर ज्यादा कुवत थी सुनने में, तो ये गलत नबर है, गलत जगह पर हम लोगों ने नबर डाल दिया था। सुनने में भी क्या आएगा, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि हम गलत तरीके से नबर डालकर पढ़ेंगे वाबुदू, सुनने में क्या आएगा कि उसके बाद हर्फ हा भी है, हा क्योंकि बहुत ज़ाइफ हर्फ होता है ना, ज़ाइफ हर्फ होता है, तो सुनने में आएगा कि शायद उसके बाद हर्फ हा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखने में हर्फ हा भी डाल देंगे, जैसे कि ये सामने वाले कलिमा है, ठीक है। तो यहाँ इस दाल पर हर्फ दाल पर अगर नंबर डाल दिया तो ये तो गलत जगह पर हम लोगों ने डाल दिया, तो सही जगह पर क्या कहाँ डालनी चाहिए, हर्फ बा पर, तो सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे ये, वाबुदू वाबुदू वाबुदू, ठीक है। और वलैसत, मतलब अब दूसरी जगह पर अगर हम लोग ये जो कलिमा पढ़ेंगे पढ़ेंगे ये अपनी जगह पर उसका नंबर अपनी जगह पर कायम है, सही है, अपनी अदा मुस्तकीम पर उसके माना पर सब कुछ कायम है, लेकिन इसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब ये जो कलिमा बा पर हम लोगों ने नंबर डाला ना, अब जैसे कि ये पढ़ेंगे दूसरी कलिमा दाल पर डालकर, ये उसी तरीके से पहली वाली पर नहीं डाला जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ कहाँ पर को सिर्फ गलत न जगह पर नंबर डालकर और लिखने का तरीका, तो यहाँ वह नहीं सर वाबुदू, ठीक है ना, वाबुदू और ही ना,
जो यहाँ आ गया पगडू दू। दूसरी आयत जो उसके बाद आएगी उसके जो कलीमा है अवला अवला अवला। सुनने में क्या आ गया कि हर पर हंगा कर जो ये अलिफ है उस पर ज्यादा कुवत थी सुनने में, मतलब हम लोगों ने पढ़ने पर हर पर हमजा को क्या कर दिया, हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा जोर डालकर दबाव डालकर या फिर अभी में जैसे कहेंगे नंबर डालकर वो पढ़ा गया जैसे अवला। कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, अवला नहीं पढ़ते, अवला सही है ना तो वो लोग अवला नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे सही पढ़ते हैं अवला और कुछ लोग कहते हैं अवला इस कलीमा की तरफ जो उसके सामने है। ठीक है इस कलीमा की तरफ, और फर्क देखिए कि अब इस कलीमा की तरफ कैसे पढ़ेंगे अवला। अगर इस कलीमा की तरह उन लोगों ने ये इस कलीमा को ये जो अवला है इसको अगर इस तरीके से पढ़ा गया दूसरी कलिमा को जो सामने है अवला, यहाँ तो माना तो बिल्कुल अलग हो गई। अवला जो पहली वाली थी यहाँ ये तो सिर्फ एक ही कलिमा है और उसका माना अलग है, कायम है अपनी जगह पर और अदर मुस्तकी। लेकिन इसको अगर इस तरीके से पढ़ा गया इस कलिमा की तरह अवला तो यहाँ क्या हो गया, नबर तो दूसरी जगह पर डाला गया जो गलत है, दूसरी चीज अदा मुस्तकीम कायम नहीं रही, तीसरी चीज उसके माना भी बिल्कुल बहुत बदल गया कायम नहीं रहा। और लिखने पर भी देखो क्या होगा, लिखने पर अवला दो हिस्सों में बांटी गई सिर्फ जो एक ही कलिमा थी, यहाँ एक ही कलिमा थी ना अवला, लिखने में सुनने में सब कुछ सिर्फ एक ही कलिमा है और उसके माना भी सिर्फ एक ही कलिमा है। लेकिन अगर हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया अवला तो क्या हो गया, दो किस्म में बांटी गई, दो कलीमा हो गई अवला, एक ये जो है अव दूसरी जो कलीमा है ला। तो ये तो गलत तरीके से हम लोगों ने इस कलीमा को इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया गलत जगह पर नंबर डालकर। यहाँ तो अवला अपनी जगह पर इस आयत में सही नंबर है उसका, उसके अदर मुस्तकीम और माना कायम है कहाँ, अपनी आयत में इस कलीमा को। लेकिन ये जो अवला है अपनी आयत में इस जगह पर अपने माना कायम है अदर मुस्तकीम कायम है कब, जब हम लोग हर पल अलिफ पर नबर डालेंगे। और यहाँ अपनी जगह पर ये जो दो कलीमा है अवला अपनी जगह पर इस आयत में उसके माना कायम है उसके अदर मुस्तकीम कायम है कब, जब हम लोग हरफल हमजा पर पहली कलिमा में नबर डालेंगे और दूसरी कलिमा में हरफल लाम पर नबर डालेंगे। तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे अवला बिहा सुइलिया, ये सही तरीके से हम लोगों ने नबर डालकर पढ़ लिया। और अगर गलत तरीके से इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया दूसरी कलिमा की तरह तो हो जाएगा गलत तरीके से अवला बिहा सुइलिया अवला, ये तो गलत जगह पर हम लोगों ने नंबर डाल दिया ना। तो जो असली सही है हम लोग उसी पर कायम रहेंगे सही तरीके से अपनी सही नंबर डालकर जो है हरफ अलिफ पर जो है इसे पढ़ा जाएगा सही तरीके से अवला बिहा सुइलिया अवला अवला, ये अपनी जगह पर कायम है। और जो उसके सामने है अवला यसलौहा फसबिरू अवला तसबिरू। और अगर कुछ लोग ऐसे भी गलत जगह पर नंबर डालकर और इस जो जो कलीमा है ना ये दो कलीमा वो गलत नंबर डालकर एक ही कलीमा करके पढ़ लेते हैं कैसे अवला जैसे ये पहली वाली थी, तो यहाँ हम लोग इसको यहाँ पहली कलीमा को दूसरी कलीमा की तरह नहीं पढ़ा जाता और जो दूसरी कलिमा है पहली कलिमा की तरह नहीं पढ़ा जाता, वो क्यों, अपनी जगह पर नंबर डालकर आप लोगों को सही माना पता चलेगी। ठीक है तो यहाँ थी अवला और यहाँ जो सामने है अवला, यह सिर्फ एक ही कलिमा है और ये दो कलिमा है। ठीक है और यहाँ दो कलिमा है तो यहाँ तो दो दो नंबर हो गए, पहले कलिमा में पहला नंबर दूसरी कलिमा में दूसरा नंबर। ठीक है उसके बाद जो यहाँ आखिर में जो आयत है उनमें से लेंगे एक कलीमा जो है लहुम,
लहम ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने भी लिया था कि लहम बहुत सारी जगह पर जिक्र किया गया है आयतों में, और जो उसके सामने है लहम, ठीक है। तो यहाँ जो कलीमा है लहम, कहाँ पर नबो डाला गया है, हर अल्लाह पर, जैसे कि वो रेड कलर से लिखी हुई है लहम। और कुछ लोग कैसे पढ़ेंगे जो गलत नबर जगह पर डालकर लाम को छोड़कर हर पलहा पर नबर डालेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे लहुम। और यहाँ अगर आप लोगों ने लहुम पढ़ लिया तो यहाँ इसकी माना बदल जाएगी और उसके अदा मुस्तकीम भी बदल जाएगी, तो उसका नबर कहाँ हो गया, हर पलहा पर। और ये गलत तरीका था, गलत जगह पर नबर डालकर आप लोगों ने गलत पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान होना चाहिए, यहाँ इस आयत में इस कलीमा को अपनी जगह पर सही है, ये जो आयत है इस जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी आयत में लाम पर हर नबर डालकर अपनी जगह पर, ये उसकी माना कायम है, लहुम लहुमुल अम्न, ठीक है। और कुछ लोग पढ़ेंगे गलत नबर जगह पर डालेंगे और हा पर डालकर कहेंगे लहुमुल अम्न, ठीक है, ये तो गलत हो गया लहुम, ये तो गलत है। और जो सही है लहुम, ठीक है। और सामने जो करीमा है लहुम, ये अपनी जगह पर सही है, क्यों, क्योंकि वो जो यहाँ जिस आयत में आई है ना, ये जो करीमा है लहुम, अपनी जगह पर जो उसकी आयत आयत है, अपनी जगह पर आयत के साथ उसकी माना अपनी जगह पर कायम रहेगी और उसके अदा मुस्तकीम भी अपनी जगह पर कायम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वह इन जो ठीक है, लहुम हा पर नबर डाला गया, ये सही तरीके से हा पर नबर डालकर उसके माना अपनी जगह पर कायम और अदा मुस्तकीम अपनी जगह पर कायम हो गया, तो सब कुछ ये सही था। और कुछ लोग गलत तरीके से गलत नबर डालकर लाम पर डालकर और कैसे पढ़ेंगे, लहुमुल गालिबून लहुम, जैसे कि ये पहली बात, ये तो यहाँ अपनी जगह पर हा पर सही थी, हर पल हा पर सही थी, लेकिन अगर हर पल लाम पर हम लोगों ने डाल दिया लहुमुल गालिबून, यहाँ तो उसकी माना बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और अदाए मुस्तकीम पर उसकी माना अदाए मुस्तकीम बदल गया, कायम नहीं रहा है। तो असली जगह पर यहाँ ये जो कलिमा है अपनी अपनी जगह पर अपनी आयत में उसकी माना कायम है, उसके अदा मुस्तकीम कायम है, तो कैसे पढ़ेंगे, लाम पर नबर डालकर इस तरीके से लहू लहू लहू, ठीक है। और यहाँ जो कलिमा है लहू, ये अपनी जगह पर अपनी आयत में ये जो कलिमा है उसके माना कायम है और उसके अदर मुस्तकिम कायम है, कब, अगर हम लोगों ने हर पल हा पर नबर डाल दी सही जगह पर, तो सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे, लहुमुल गालिबून लहुमु लहुमु लहुमु, ठीक है। अब लेते हैं माजदा को, वो आकर पढ़ेगी पहले वाले आयत आयत में से पहली वाली कलिमा, यहाँ की जो कलिमा है जिस पर नबर है, और दूसरे आयत में से ये कलिमा, वो सही तरीके से पढ़ती जाएगी, ठीक है। अब लेंगे माजदा को, माजदा आकर पढ़िए। हदीस सही है जी, उसने जो पढ़ा है उदखुलिल जन्ना, उसने सही तरीके से अपनी जगह पर पढ़ दी है। वअखरजतिल अर्दु अथقالها بأن ربك أوحى لها فاسجدوا لله واعبدوا وليست فاسجدوا لله واعبدوا ذلكم الله فاعبدوه
وليست فاعبدون. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وليست أولى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وليست أولى تصبروا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليست لهم الأمن وإن جندنا لهم الغالبون. وليست لهم الغالبون. جی بارک اللہ آپ کی کبت اللہ علیہ کی. اس نے کیسے پڑھی؟ ہر جو کلمہ تھی پہلے صحیح طریقے سے پڑھا، پھر بعد میں اسی کلمہ کو جو سامنے والی دوسری کلمہ یہاں سے جو بھی تھی اس پر جو علیست کہہ کر، مطلب غلط نمبر پر جگہ ڈال کر اس نے علیست کہہ کر پڑھ لیا دونوں ہی جگہوں پر. اب لیتے ہیں اس کے بعد جو موضوع آتا ہے، نبر اور لحن. اب نبر کا مطلب آپ لوگوں کو پتا چلا گیا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے پہلے لیکچر سے، اور اس لیکچر میں نبر کے ساتھ جو کلمہ ہے لحن اس کا مطلب یہاں کیا آتا ہے. لحن اب لیں گے دو حصوں میں. پہلے لحن کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم جو ہے لغت میں، اور دوسرا جو ہے اصطلاح میں. لغت میں لحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لحن کے معنی لغت میں بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے اس کا مطلب کیا ہے؟ غلط اور حق سے انحراف. مطلب جو لحن ہے وہ لغت میں اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط اور حق سے انحراف. اصطلاح میں آتے ہیں لحن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اصطلاح میں یہاں اس کے آواز کے زبان میں غلطے ہیں، غلطی ہے، یا پھر آواز میں غلطیاں ہوتی ہیں، یا پھر گرامر میں غلطیاں ہوتی ہیں، یا پھر مورفولوجی، یا پھر الفاظ میں. ان چیزوں میں جو یہ جو چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایسی چیزوں میں غلط ہو جاتا ہے، غلط آتی ہیں، مطلب غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کب غلطیاں ہوتی ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے غلط جگہ پر نبر ڈال کر پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو نبر اور لحن ساتھ میں کیا ہو گیا؟ اگر غلط جگہ پر ڈال کر نبر اور آپ لوگوں نے پڑھا تو اس کے ساتھ آپ لوگ اس میں کیا آ جائے گا؟ لحن آ جائے گا. اور لحن کا مطلب ہم لوگوں نے ابھی کیا لیا تھا؟ غلط اور حق سے انحراف ہونا. اور اصطلاح میں ان چیزوں میں یہ جو ہے زبان میں جو بولنا، جو نبر کس ذریعے ہے، اور گرامر اور الفاظ، ان سب چیزوں میں اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہے. کب؟ اگر نبر کو غلط جگہ پر ڈال کر پڑھ دیے. اس کے بعد جو موضوع آئے گا، اسلاف کے لیے لحن کی بدصورتیں. اگر لحن کلمہ میں آ گیا، مطلب نبر کو غلط جگہ پر ڈال کر اس کے ذریعے اگر غلط جگہ پر ڈالا گیا نا نبر کو اور پڑھا گیا، تو ہم لوگوں نے جیسے کہا تھا کہ اس کے ادا مستقیم قائم نہیں رہے، اس کے معنی قائم نہیں رہے، سننے میں، لکھنے میں، تجوید میں، سب چیزوں میں. تو سننے میں، لکھنے میں بھی اور اس کے معنی میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے تجوید میں بھی، سب چیزوں میں، الفاظوں میں، اس پر کیا آیا آیا جائے گا؟ بہت ساری غلطیاں. اور یہ جو غلطیاں ہیں نا، اس کی کلمہ کیا ہے؟ لحن. تجوید میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ لحن. تو لحن کا معنی علماء تجوید میں، علماء تجوید نے لحن کو معنی کو کیا کہا گیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہے، الفاظ میں ایسا عیب جو قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. مطلب الفاظوں میں جب آپ لوگ اگر پڑھو گے تو اس میں ایک عیب آ جاتا ہے جو احکام تجوید کے خلاف ورزی کرتا ہے. اور یہ دو قسم کا ہوتے ہیں. اب یہ جو لحن ہے، علماء تجوید نے جو کیا کہا ہے اس کا مطلب، ان لوگوں کے پاس تجوید میں اس کا لحن کا مطلب کیا ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس کے دو قسم ہوتے ہیں لحن کے. پہلا قسم اس کا نام ہے لحن جری.
दूसरा किस्म जो है उसका नाम है लहन खफी, ठीक है, लहन खफी। तो पहला जो किस्म है लहन जली, उसका मतलब क्या है, अब आकर पढ़ते हैं। ये वो है जो इल्म के जाहिर खिलाफ वर्जी करता है, जिससे आम पढ़ने वाले और दूसरे उसके इल्म के जानने में शरीक होते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने पढ़ लिया किसी भी, मसलन हम लोग लेंगे कलीमा, जो भी कलीमा आएगी ना कुरान में, एक ही कलीमा को लोगे और आप लोग मसलन जैसे कि हम लोग कहेंगे लहू, ठीक है, लहू, हम लोगों ने मीम को मसलन दमा को, हम जो मीम पर दमा है, दमा को हम लोगों ने फतह कर लिया, मसलन कह लिया लहुमा या फिर लहुमी, और वो असल में जो है सही है दमा है, लहुमु, ठीक है। तो यहाँ अगर जो कोई भी सुनेगा ना और किसने ये गलती की है, तो हर कोई उसको पक्कर लेगा, मतलब हाँ इसने ये गलती की है, यहाँ गलत है, ऐसे उसको सही करेगा। तो ये लहन जली है, और कहा गया है कि ये गलती है जो अल्फाज में होती है, अल्फाज में, सिर्फ हरकत में नहीं, कुछ लोग भी जो उसके हरूफ होते हैं ना कलिमा के, एक हर्फ को उन लोगों को क्या करते हैं, मतलब एक हर्फ को लेकर दूसरे हर्फ पर बदलना, मतलब जैसे कि गैन को काफ में बदलना पढ़कर, ऐसे बहुत सारी गलतियां होती है। ये जो गलतियां जो होती है ना इसी कलिमा पर, हर कोई उसको पकड़ लेता है, उसको जान लेता है कि यहाँ गलत है और उसको सही किया गया है। तो कहा गया है कि गलती है जो अल्फाज में होते हैं और उससे पढ़ने के रवाज के खिलाफ वर्जी होती है, खवाल से माना के खिलाफ वर्जी हो या ना हो, ठीक है, उसके माना अगर खिलाफ के माना हो या ना हो, उस पर अगर कोई भी, अगर फिल्मा में कोई भी किसी ने जाहिर वाली गलती कर ली, कोई भी पकड़ सकता है उस गलती को और सुधार सकता है। ये कौन था, लहन जली था, पहला वाला किस्म लहन जली। अब दूसरा किस्म लेते हैं लहन खफी, उसका मतलब लेते हैं अभी, वो है जो उस अखलाक के खिलाफ वर्जी करता है जो उसके उलमा किराम के इल्म में मुनफरिद है और इमाम कातदी के अकवाल को उलमा के अकवाल से हासिल किया गया है और अहल अमल से अल्फाज को दब किया गया है, और कहा गया है कि तलफ्फुज में गलती होते ही उससे लिए उससे रस्म के खिलाफ वर्जी करता है और माना में खलल नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग अभी ये जो नबर पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने लिया था अवला अवला, मसलन मिसाल के तौर पर ये जो करीमा है अवला या फिर अवला, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं अवला और कुछ लोग पढ़ते हैं अवला। अगर अवला पढ़ लिया, वो अपनी जगह पर एक ही करीमा है, वो अपनी जगह पर सही है। अगर दो किस्म में वो जो करीमा लिखी हुई है अवला, वो अगर अपनी जगह पर पढ़ लिया तो वो अपनी जगह पर सही है। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को बदल दिया, वो अपनी जगह पर गलत माना हो गई, उसके माना कायम नहीं रही और उसके अदा मुस्तकीम कायम नहीं रहा। तो यहाँ हर कोई सुन सकता है, मतलब सुनने में उसे मतलब मालूम हो सकता है कि यहाँ उसने गलती की है, जैसे कि इय्याका नअबुदु जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने लिया था, या सूरत अल-फातिहा में है और नमाज में पढ़ी जाती है, शफात में पढ़ी जाती है कि अगर कोई बीमार होता है तो शफा के लिए हदीसें पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, तो सूरत अल-फातिहा भी पढ़ते हैं ना, तो नमाज में भी पढ़ी जाती है और तिलावत में सब कुछ। तो अगर आप लोग कहोगे इय्याका नअबुदु, हर कोई अगर ये सुनेगा तो कहेगा कि वो सही पढ़ रहा है, लेकिन जो ये जो इल्म उलमा इमामों से खास लोगों से हासिल किया गया है, ठीक से उन लोगों ने पढ़ा गया है, उसे ठीक से पढ़ाने गया पढ़ा गया है, तो उन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ उसने गलत किया है, और ये गलत हर कोई उसको पकड़ नहीं सकता, मतलब इस कलिमा में जो उसने ये पढ़ा गया है इय्याका नअबुदु, हर कोई उसको नहीं पकड़ सकता कि इसमें यहाँ गलती है। जो खास लोग, उन लोगों ने जो ये चीजें छोटी छोटी चीजें, ये जो गलतियां होती है, कोई नहीं उसको ध्यान में नहीं आती, तो ये गलतियां जो छोटी छोटी गलतियां ध्यान में नहीं आती, आप लोगों को लगती है कि नहीं ये सही पढ़ रहे हैं हम लोग और असल में वो नंबर गलत जगह पर डालकर गलत हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो उसका माना ये नबर होता है और उसके अदर मुस्तकीम पर कुरआने में, तो ये इसका माना लहन खफी होता है, छोटी छोटी गलतियां जो हर कोई उसको पकड़ नहीं सकता। लहन के दो किस्म के हुक्म, लहन ये जो दो किस्म हुए ना अभी हम लोगों ने लिया था, ये जो दो किस्म थे लहन जरी और लहन खफी, इन दोनों के किस्म के हुक्म क्या है? बहुत से उलमा तजवीद ने फैसला किया है कि हुक्म मुहर्रम है और कुरान को सही तरीके से पढ़ना शरई फर्ज है। तो ये जो दो लहन के किस्म थे लहन खफी और लहन जली, ठीक है, लहन जली और खफी, ये जो दो किस्म के हिस्से थे लहन के, इन दोनों को अगर आप लोगों ने पढ़ा कुरान तिलावत में अल्फाजों में, अगर ये दोनों में एक में इन दोनों में से एक ही या दोनों ही पाए गए तो इसका हुक्म क्या है? हराम है, ठीक है। और असल में जो है कुरान को सही तरीके से पढ़ना शरई फर्ज है, मतलब हर किसी को कोई भी कुरान के बारे में इल्म पता चला और उसने जानबूझ कर उसी इल्म को छोड़कर, जानबूझ कर अपनी मनमानी कर और गलत तरीके से पढ़ता गया कुरान को, तो वो हराम है और उस पर इस्म होगा और वो कयामत में उसका हिस्सा भी हो जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है। और कुरान को सही तरीके से पढ़ना शरई फर्ज है, आप लोगों को फर्ज है, जैसे कि नमाज 5 नमाजें फर्ज होती हैं, आप लोगों का भी कुरान पढ़ने का फर्ज है। कि क्या होता है, सही तरीके से शरई तरीके से पढ़ना चाहिए, वो फर्ज है। जो अभी आप लोगों को ये जो लहन खफी था उनमें से नबर भी है, जैसे कि इया नाबुदु, यहाँ तो नबर गलत जगह पर डालकर पढ़ा गया ना, तो यहाँ बिल्कुल माना बदल हो गई और उसके अदर मुस्तकीम भी बदल हो गई, कायम नहीं रही ये दोनों चीज, और लिखने में भी गलत, बहुत सारी चीजें गलत हो गई। तो आप लोगों को ये इल्म पता चला ना नबर के बारे में, अगर आप लोगों ने इस इल्म मतलब जो भी इल्म है तजवीद है ये जो नबर है, जो भी इल्म आप लोगों को कुरान के बारे में उनके बारे में पता चला, जैसे कि ये नबर हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं मसलन, आप लोगों को पता चला और आप लोग उस नबर से सही तरीके से हिसाब के आप लोग नहीं पढ़ोगे सही तरीके से, जैसे कि कुरान में लिखा है और मलक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया, तो आप लोग अगर मनमानी कर और सही तरीके से जायजी शरई तरीके से आप लोग कुरान को नहीं पढ़ा गया तो आप पर क्या होगा? इसम होगा और उस हिसाब पे आ जाएगा कयामत के दिन में। और अगर कुछ लोग इस इल्म को, जो भी इल्म है तजवीद है या फिर नबर, जैसे कि तजवीद को हर किसी को अब पता चल रहा है ना, लेकिन नबर को किसी को हर किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो हर कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पर कहा था इय्याका नअबुदु, ये जो गलत था और सही था इय्याका नअबुदु, ठीक है। तो ये जो इल्म है जैसे कि ये जो अभी हम लोग नंबर कर रहे हैं, अगर दूसरा शख्स मसलन आएगा और वो पढ़ रहा है सीख रहा है तो उसका तो दो अजर होगा ना, क्योंकि वो सीख भी रहा है, उस पर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, और असल में वो तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ शुरुआत में आप लोग जब तक समझोगे तब तक वो पूरी जो मालूमात है पूरे जो दुरूस है ठीक से समझना, जब ये पूरे के पूरे जो दुरूस है मालूमात है समझ जाओगे तब आप लोगों को बहुत आसानी सही तरीके से पढ़ने में आएगा, और सुनने में भी गलत गलतियां पकड़ सकते हो कि हाँ यहाँ ये जो लहन खफी है जो नबर है उस पर ये गलती हुई है, यहाँ आप लोगों को भी पता चलेगा और दूसरे लोगों को भी आप लोगों कर सकते हैं, मतलब कह सकते कि ये और आप पर ये तो असल में वाजिब है, क्योंकि जो भी इल्म आप लोगों को पता चलेगा, अब हम लोग मुसलमान है तो एक ही इल्म अगर सिर्फ छोटी सी चीज इल्म के बारे में इस्लाम के बारे में पता नहीं चली तो आप लोगों को बलग करना है ना, तबलीग करनी है, तो ये भी नबर हम लोग आप लोगों को तबलीग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये शरई तरीके से कुरान में जायज है, शरई तरीके से जैसे कि कुरान में लिखा गया है सही तरीके से और अदल मुस्तकीम पर, तो ये इल्म क्या हुआ? शरई इल्म हो गया। तो आप लोगों पर ये फर्ज है कि आप लोगों को ये सीखना चाहिए और उसी तरीके से पढ़ना चाहिए।
अब लेते हैं नबर और अहकाम का जुमला। पहले हम लोगों ने लिया था नबर, अगर जैसे कि अवला अवला, साथ में देखते हैं कि अगर इस तरीके से पढ़ा गया तो उसके माना अपनी जगह पर सही है, और उस दूसरी कलिमा पर अपनी माना उस अपनी जगह पर सही है, और बीच में वो तब्दील नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ जो लेते हैं नबर और अहकाम का जुमला, अगर नबर गलत जगह पर रखा गया और पढ़ा गया तो बोलने में सुनने में लिखने में तजवीद सब उस पर बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तजवीद में नुकसान आ जाएगा। कब? अगर नबर को गलत जगह पर पढ़ा गया। कैसे वो? अब यहाँ मिसाल के तौर पर आयतें लेते हैं। पहले आयत में जो करीमा है, अब जो पूरी आयत है ना, जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में कहा था, हर कोई करीमा में जो आयत में है, यहाँ जो ये पूरी आयत है, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन। ठीक है, ये जो पूरी आयत है ना, यहाँ पहली करीमा पर नबर हो सकता है सही और गलत, दूसरी करीमा में भी, सब जो करीमा यहाँ है ना आयत में, हर करीमा में नबर होता है, लेकिन हम लोग मिसाल के तौर पर सिर्फ एक ही करीमा देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि आप लोगों को आम तरीके से पता चले नबर मतलब क्या होता है, उसका असर क्या होता है, यहाँ तजवीद किस बारे में नबर के साथ जोड़ा गया कि उसका असर क्या हो जाएगा, अगर गलत जगह पर नबर डाला गया तो तजवीद पर असर क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ जो करीमा है मैं, ये तजवीद के जरिए मद, यहाँ मद आ गई है ना तजवीद के जरिए, सिर्फ एक ही करीमा में, और ये मुत्तसिल है, मद हुआ जो मुत्तसिल है ना, तो ये सही तरीके से उसका माना भी क्या है, मतलब पानी। ठीक है, अपनी जगह पर ये सही है, उसके अदा मुस्तकीम भी सही है। कैसे? उसकी माना सही, जैसे कि हम लोगों ने नबर डाला हरफल मीम पर, मैं ये हरफल मीम पर नबर डाला। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अदा मुस्तकीम कायम है, माना कायम है, लिखने में भी कायम है, जैसे कि कुरान में लिखना लिखा लिखा हुआ है, ऐसे वो सही तरीके से सही लिखी हुई है, सही नंबर डालकर सही तरीके से, और उसका तजवीद भी अपनी जगह पर सही रहा। हम लोग यहाँ इस शरीहा में तजवीद के बारे में साथ जोड़कर देख रहे हैं कि अगर नंबर को सही तरीके से पढ़ा गया तो उसका तजवीद पर असर क्या होगा, तो यहाँ तो सही हो गया, सब कुछ सही है, अपनी जगह पर कायम है। अब आकर देखते हैं दूसरी जगह पर, उसी आयत में अगर हम लोगों ने दूसरे लोग मीम को छोड़कर हमजा पर, यहाँ जो हमजा है ना उस पर अगर नबर डाला गया तो देखो सुनने में क्या होगा, और उसका माना क्या हो जाएगा, उसके अदा मुस्तकिम क्या हो जाएगा, और लिखने में भी क्या होगा, और तजवीद में भी क्या होगा, ये पांच चीजें बहुत बदल जाएगी, अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं गलत जगह पर नंबर डालकर हमजा पर इस तरीके से, मैं सुन लिया, सही वाला था मैं, वलैसत मतलब जो गलत है, मैं तो जो सही था सिर्फ एक ही कलिमा थी, उसकी माना, उसका अदा मुस्तकीम, उसका लिखना और उसका तजवीद होना, ये सब चीजें अपनी जगह पर कायम रही, और वही कलिमा वही उसी आयत में अगर गलत तरीके से गलत नंबर डालकर जगह पर डालकर और पढ़ा गया इन, तो यहाँ क्या हो गया, जो एक कलिमा थी दो कलिमा हो गई, जो तजवीद था वो तो बदल गया, कायम नहीं रहा, और उसके अदा मुस्तकिम कायम नहीं रहा, उसके माना भी कायम नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ गलत जगह पर नंबर डाल दिया तो देखो क्या क्या नतीजा आ गया, बहुत सारी चीजें गलत हो गई, और तजवीद के जरिए तो और भी गलत हो गया, तजवीद के साथ तो सही तरीके से पढ़ेंगे ना वलैसत मतलब अब गलत तरीके नंबर डालकर जगह पर, जो नंबर है गलत जगह पर डालकर नंबर, वो गलत तरीका होगा, और उस पर शुरू होने के होने से पहले कहेंगे ये करीमा वलैसत। ठीक है, वलैसत माइन। ठीक है, अब लेते हैं दूसरी आयत,
दूसरी जो आयत है उनमें से ये मिसाल के तौर पर दी है करीमा, फीहिन, सुन लिया हम लोगों ने नबर कहाँ डाला, हरफल हा पर, और उसका तजवीज क्या था, यहाँ गुन्ना भी है नून पर, है ना, तो यहाँ सब कुछ कायम है, एक ही कलीमा हो गई, ठीक है, लिखने में भी, और उसकी माना कायम है, और उसके अदल मुस्तकीम कायम है, और उसका जो तजवीज भी है कायम है। यहाँ जो हम लोग ध्यान देंगे ना, तजवीज के साथ के जरिए ध्यान देंगे, सही जगह पर नबर डालकर तजवीज के साथ ध्यान देना, और जो सामने है वही कलीमा उसी आयत में गलत जगह पर नंबर डालकर तजवीद के साथ जोड़ना, देखो क्या हो जाता है। वलैसत, आप कहेंगे वलैसत क्योंकि हम लोग शुरू हो रहे हैं गलत जगह पर नंबर डालकर, तो फीहिन 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 क्या हो गया है, यहाँ नंबर जो हा पर था ना उसको छोड़कर फा पर डाल दिया, फीहिन, तो यहाँ सुनने में क्या आ गया, उसकी पहले तो पहले सबसे पहले कुछ ये चीजें गलत हो गई क्योंकि यहाँ नंबर गलत जगह पर डाला गया, तो सही जो है फीहिन, ये जो सही था फीहिन फीहिन वलैसत, आप शुरू करेंगे गलत जगह पर नंबर डालना, वलैसत फीहिन, अब दूसरी आयत देंगे उसमें से जो कलिमा है मैं सैद, इसकी तरह हम लोगों ने दिया था ना पहले लेक्चर में लहद, ठीक है, अब ये उसकी तरह है मैं सैद, नबर कहाँ है, हरफ नीम पर, जैसे वो रेड कलर से लिखा हुआ है, आसान तरीके से आप लोगों को आसानी से पता चलेगा यहाँ नबर है मैं सैद, ठीक है, मैं सैद, ये सही तरीके से हुआ था, नबर को कहाँ डाला गया, जोर दबाव कहाँ डाला गया, हरफ नीम पर, सुनने में नीम ज्यादा कुवत थी सीन और दाल में से, ठीक है, तो उसकी माना क्या हो गई, एक ही माना हो गई, एक ही कलिमा और अपनी जगह पर कायम, उसके अदल मुस्तकीम कायम, और उसके जो तजवीद है वो भी कायम है, मैं सैद मैं सैद मैं सैद, ठीक है, ये जो सही तरीके से नंबर डालकर हम लोगों ने पढ़ा गया, सब कुछ अपनी जगह पर कायम रहा, सामने वही आयत जो है वही कलिमा है मीम को छोड़कर, उस जो सही तरीके से नबर था ना मीम पर, अब उसको छोड़ दो, कुछ लोग पढ़ते हैं सीन पर नबर डालना, तो यहाँ ध्यान होना चाहिए ना कि सही कहाँ है मीम पर या सीन पर, तो आकर पढ़ते हैं सीन पर कैसे हो जाता है, वले सच मैसेड, ये क्या हो गया, मीम पर नबर नहीं हो नहीं पाया गया, सीन पर नंबर डाला गया, ठीक है, मैसेज अगर सुनोगे तो सीन में ज्यादा कुवत है मतलब नंबर है, इस तरीके से मैसेज 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 मैसेज, सीन पर ज्यादा कुवत है मतलब उस पर ज्यादा दबाव है मतलब जोर है, उस पर अरबी में कहेंगे नबर है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोगों ने सीन पर डाला गया, क्या ये सही तरीके से हम लोगों ने सही जगह पर नंबर डाला गया है, नहीं गलत है, क्यों, क्योंकि ये कलीमा दो हिस्सों में बांटी गई, अब यहाँ उसका तरीका यहाँ दो कलीमा नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ तो हम लोग तजवीद पर ध्यान देंगे, नबर को सही जगह पर रखकर और नबर को गलत जगह पर रखकर तजवीद पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी माना कायम नहीं रही, जो मसद है वो सही तो माना कायम है लेकिन यहाँ जो मसद है वो उसकी माना कायम नहीं रही गलत रही, और उसके अदल मुस्तकीम कायम नहीं रहा और उसका तजवीज भी बदल गया, पहला वाला था मैं सैद, दूसरा वाला गलत हुआ रहा वलीसत मैं सैद, ठीक है, दोनों ही तजवीज का अलग अलग फर्क वाद है सुनने में बहुत जाहिर है, ठीक है, तो पहला वाला सही था मैं सैद, और दूसरा वाला वलैसत, वलैसत अब शुरू होंगे गलत वाले में,
مسد وليست مسد. अब आयतें आते हैं आखिरी आयत में, उनमें से लेते हैं कलिमा जो है वलद, वलद उसी तरीके से जैसे कि ये पहली वाली मसद थी ना, उसी तरीके से ये एक ही कलिमा है वलद। नबर कहाँ पर है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है रेड कलर वाला लाल वाला, वो है हर्फ अलवाव, ठीक है हर्फ अलवाव वाव पर यहाँ नबर डाला गया। तो सुनने में भी वाव का ज्यादा कुव्वत है, सुनिए वलद, ठीक है ये सिर्फ एक ही कलिमा है वलद, एक ही कलिमा जिस पर हर्फ अलवाव है, जिस पर हर्फ अल्लाम है और हर्फ दाल है, एक ही कलिमा उन पर ये जो हरूफ है वाव लाम दाल, ठीक है। और नबर कहाँ पर है, वाव पर। तो सही तरीके से पढ़ेंगे वलद, इसके माना कायम है, इसके आदान मुस्तकिम कायम है और उसका तजवीद वो भी कायम है, या हम लोग तजवीद को ध्यान दे रहे हैं ना। आकर देखते हैं यही आयत, आयत जो है वही आयत, उसमें वही कलिमा जो है वाव से नबर हटाकर लाम पर डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो गलत तरीका है ना, गलत जगह पर नबर डाला गया। तो कुछ लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं, तो हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं सही तरीका और उसके साथ साथ भी गलत तरीका, क्यों, क्योंकि आप लोगों को फर्क पता चले, जाहिर हो जाए सुनने में पढ़ने में कि हाँ ये नबर सही जगह पर डालकर सही तरीका है और दूसरे जगह पर नबर डालकर गलत जगह पर वो गलत तरीका है। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को जानना चाहिए कि सही वाला कौन सा है और गलत वाला कौन सा है। सही वाला क्योंकि आप लोगों को सीखना है सही वाला, गलत वाला क्योंकि आप लोगों को दूर होना चाहिए इस गलत वाले जगह पर नंबर डालकर, ठीक है। तो वाव को छोड़कर लाम पर नंबर डाल देते हैं और सुनिए, सुनने में भी लाम पर ज्यादा कुवत आएगी, मतलब नंबर आएगा, तो होगा वलैसत। हम लोग जरूर अब कहेंगे वलैसत, क्यों, क्योंकि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं गलत जगह पर नंबर डालना, तो उससे पहले कहेंगे वलैसत, वलैसत वलद वलद वलद, ठीक है। यहाँ लाम उस पर ज्यादा कुव्वत थी, उस पर ज्यादा दबाव था, दबाव था थोड़ा थोड़ा ज्यादा जोर था, मतलब अभी मैं कहेंगे नबर था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये नबर दूसरी जगह पर हटा गया वाव से लेकर लाम पर और ये गलत जगह पर है, उसकी माना कायम नहीं रही, उसके अदल मुस्तकिल कायम नहीं रहा और जहाँ ध्यान दे रहे हैं ना तजवीद वो भी यहाँ कायम नहीं रहा। ये सब चीजें क्यों कायम नहीं रही, क्योंकि नबर गलत जगह पर डालकर पढ़ा गया है। तो सही जगह पर डालकर वो जो वाव है इस तरीके से पढ़ेंगे जो सही तरीका है, वलद वलैसत, वलैसत मतलब अब गलत वाला शुरू करेंगे, वलैसत वलद। अब तजवीद में सुनिए, पहला वाला था वलद, उस पर तजवीद अपना कायम है और दूसरा वाला तजवीद कायम नहीं है, वलैसत वलद। फिर से पढ़ेंगे वलद वलैसत वलद, ठीक है। अब यहाँ इस शरीहा में जो था नबर अगर सही जगह पर डालोगे तो तजवीद के साथ तजवीद के जरिए उसका असर क्या होगा, अपनी जगह पर कायम रहेगा, और अगर यहाँ जो दूसरे में जो हम लोगों ने मिसाल के तौर पर लिया है, यहाँ दूसरी जगह पर अगर नंबर गलत जगह पर डालकर और पढ़ा गया तो उसका तजवीद कायम रहेगा या नहीं, नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नंबर को और तजवीद को साथ में देख रहे हैं, उसका हुक्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल गया, कब बदल गया, जब हम लोगों ने नंबर गलत जगह पर डाला गया और जब सही जगह पर डाला तो तजवीद अपनी जगह पर कायम रहा, कायम ही रहा। तो अब लेंगे फिर से माजदा को बुलाएंगे, वो पढ़ेगी, हर कोई जो करीमा है यहाँ आयत में पहले सही तरीके से पढ़ेगी, फिर कहेगी वलैसत, जब कहेगी ना वलैसत तो मतलब यहाँ वो गलत जगह पर शुरू हो जाएगी। यल्ला माजदा आकर पढ़िए, वलैसत मैं فيهن وليست
فيهم مسد وليست مسد، ولد وليست ولد. بارك الله فيك، فتح الله عليك. قبلتے ہیں امن لفظ مطلب لفظ کے حفاظت، لفظ کے حفاظت کہاں کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن میں، اور لفظ کی حفاظت سنت میں، اور لفظ کی حفاظت صحابہ میں، صحابہ رضی اللہ علیہ. اب اس کے بعد جو موضوع آتا ہے وہ موضوع ہے درست پڑھنے کے مقیاس. اب درست پڑھنے کے مقیاس یہاں جو اس نے جو ذکر کیا گیا ہے، امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے اپنی پیتوں پر. اس نے کہا ہے پہلے عربی میں پڑھیں گے جہاں یہ جو لکھا ہوا ہے، پھر اس کو ترجمہ کریں گے اردو میں کی اس کا مطلب یہاں اس نے کیا کہا گیا ہے نبر کے بارے میں. جو نبر ہم لوگوں نے نبر لیا تھا کہ اس کے ادا مستقیم قائم رہے، اس کے معنی قائم رہے، اور لکھنے میں بھی جیسے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس نے جو ذکر کیا ہے وہ اس نے لکھنے پر بھی ذکر کیا گیا ہے اس ابیات میں، ٹھیک ہے؟ اور اس تجوید کے ذریعے جو ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے دیا تھا، تو اس نے کہا ہے یہاں فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهُ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي. مطلب عربی منظور وجہ میں، وجہ میں مطلب لکھنے میں، لکھنے میں صرف اگر ایک ہی وجہ صحیح ہوا نا وہ تو صحیح ہے ایک ہی وجہ میں، اور دوسرے جو وجہ بھی ہوتے ہیں پھر بعد میں آپ لوگوں کو اس کا مطلب دوسرے دروسوں میں جو آگے آگے آئیں گے دوسرے لیکچرز میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا. وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَسْدُ لَوْ أَنَّهُ فِي اسْتَبْعَتِ. اور لکھنے پر مشتمل ہونے کی صلاحیت تھے، اور ترسیل کا ایک درست سلسلہ قرآن ہے، یہ تین ارکان ہیں، اور جہاں ایک رکن ٹوٹا، جہاں ایک رکن یہاں جو کسی بھی کلمہ میں جہاں ایک رکن ٹوٹا ہے اسے ثابت کریں. تو یہاں جو رکن ہم لوگوں نے جیسے کہ ہم لوگوں نے لیا تھا ما ان، ما ان تجوید کے ذریعے، یہاں تو لکھنے ما لکھنے پر ما ان صرف ایک ہی کلمہ تھی، لیکن دوسری جو تھی ما ان لکھنے میں دو کلمہ ہو گئی، وہاں تو الگ الگ لکھنے پر ہو گیا نا تو وہ ٹوٹ گیا. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ثابت کرنا چاہیے. تو یہ نبر صحیح جگہ پر رکھ کر ثابت ہو رہا ہے. اب لیتے ہیں عربی منظورے پڑھنے کا ایک وجہ سے. اب آ کر پڑھتے ہیں پہلی آیت جو یہاں ہے، صحیح جگہ پر نبر ڈال کر، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر معنی قائم ہے، اس کی ادا مستقیم قائم ہے، اور اس کے کیا اس لکھنے کا طریقہ بھی جیسے قرآن میں لکھا گیا ہے وہ تو قائم ہے، اور تجوید کے ذریعے سب کچھ ذریعے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ کب سب چیزیں قائم رہے گی؟ جب نبر اپنی جگہ پر صحیح ڈال کر بولنا لکھنا صحیح ہوگا، اور اگر غلط جگہ پر ڈال دیا تو ساری یہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی. جیسے کہ یہاں لیں گے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فَأْتِيَا یہ پہلی جو کلمہ ہے فَأْتِيَا، ٹھیک ہے؟ یہ تو پہلے تو حرف الفا اس کے ساتھ شریک ہے جو کلمہ ہے فَأْتِيَا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی کلمہ ہو گئی ساتھ کے ساتھ، جب آپ لوگ نبر ڈالو گے حرف تا پر فَأْتِيَا، سننے میں آئے گا کہ تا میں زیادہ قوت ہے، مطلب اس پر نبر ہے. آپ پڑھنے میں تا پر زیادہ زور ڈالو گے، اور سننے میں اس پر سننے میں آئے گی کہ حرف تا اس پر زیادہ قوت ہے، اس کے ساتھ جو ذریعے اس کے ساتھ جو دوسرے حرف ہے فا حمزہ یا الف یہ جو حروف ہے نا اس پر زیادہ قوت نہیں ہے. کس پر زیادہ قوت ہے؟ حرف تا پر. تو نبر کہاں ہے؟ حرف تا پر. وہاں ہم لوگوں نے تھوڑا دباؤ ڈال کر زور ڈال کر مطلب عربی میں نبر ڈال کر پڑھا گیا. تو صحیح طریقے سے فَأْتِيَا،
और गलत तरीके से ता को छोड़कर या को पढ़ेंगे उस पर नबर डालकर, तो कैसे सुनने में आएगा? फतिया, पहला वाला था फतिया फिरऊना, दूसरा वाला था फतिया फिरऊना, सुनने में फर्क आया? फतिया, ये सही वाला था। वलैसत जो गलत है, फतिया, पहला वो जो वाला था जो सही वाला था, ता पर ज्यादा कुव्वत थी सुनने में और बोलने में उस पर दबाव था, मतलब नबर था। लेकिन दूसरा जो था गलत वाला, गलत जगह पर नबर डाला, ता को छोड़कर या पर डाल दिया, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो या पर सुनने में ज्यादा कुव्वत थी, तो इस तरीके से थी वाले इसे, या पर ज्यादा कुव्वत है। तो यहाँ क्या हो गया, जो एक कलीमा थी ना, इस यहाँ दो के समय बांटी गई, दो कलीमा हो गई। क्यों, कुरान में ऐसी लिखी हुई है क्या? नहीं, ये पहली चीज गलत हो गई, उसके माना गलत हो गई, उसके अदा मुस्तकीम कायम नहीं रहे, गलत हो गए, और उसके लिखने के तरीके वो भी गलत हो गए, और उस क्यों ये सब कुछ गलत हो गए, क्योंकि उसका नंबर गलत जगह पर डाला गया और पढ़ा गया। तो सही तरीके से पढ़ेंगे फतिया, ता पर ज्यादा जोर डालना है, नंबर डालना है, फतिया फतिया फतिया। वलैसत, ये जो दूसरा है वलैसत, मतलब जो गलत है, फतिया फतिया, फिर से पढ़ेंगे फतिया वलैसत फतिया। दूसरी भी मिसाल के तौर पर लेंगे जो आयत है यहाँ करीमा, अफिल्लाही शक, ये जो सही तरीका है, क्योंकि हर्फ अल्फा पर हम लोगों ने नबर डाला है, क्योंकि असल में यहाँ जो हर्फ अलिफ है ये इस्तिफाम के जरिए पर है, मतलब यहाँ इस्तिफाम में सवाल है, और बाद में जो करीमा है फी, अफिल्लाही शक, ठीक है, ये यहाँ उसके माना कायम रही, और उसके किताबों में, मतलब किताबत में, मतलब जब आप आकर जब लिखोगे लिखने में, वो भी कायम रहा, ठीक है, यहाँ लिखने के जरिए पर देख रहे हैं किस वजह से लिखा गया है। तो पहले वाले वजह से एक ही कलिमा में लिखा गया है, और वो सही है, क्योंकि हम लोगों ने सही जगह पर नंबर डाल लगाया है। एफी एफी, हमजा थोड़ी धीरे से है, और फा पर ज्यादा कुव्वत है, मतलब नबर है, एपी एपी। और जो गलत जगह पर नबर डालेंगे हमजा पर, कैसे सुनने में आएगा? वले सर एफी एफी एफी, बहुत ज्यादा फर्क है, पहले वाला था फा पर वो जो सही है एपी, और दूसरा वाला है जो गलत वले सर एफी। अब दोनों सुनिए, एफी वलैसत एफी 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 एफी, दोनों में फर्क सुनने में आ रहा है ना? पहला वाला जो फा पर नबर है वो सही है, अफिल्लाही शक वलैसत अफिल्लाही शक, यहाँ अगर नबर गलत जगह पर हम लोगों ने डाला, जो हरफ अल हमजा पर है, अलिफ पर है, वो गलत जगह पर है। क्यों, कैसे पता चला गलत जगह पर है? क्योंकि उसकी माना पहले कायम नहीं रही, ये जो दो कलीमा में जो कलीमा है थी ना, सवाल था, यहाँ तो सवाल ही नहीं हो गया, उसके माना बदल गया। अफी अफी, उसका माना कोई मतलब माना नहीं है, लेकिन जो पहला वाला था अफी, ये उसका माना कायम है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो नीचे वाला है अफी, उसका माना कायम नहीं रहा, उसके अदल मुस्तकीम कायम नहीं रही, और ये एक ही कलीमा हो गया माने के तौर पर, ठीक है। तो सही वाला था अफिल्लाही शक, दूसरा वाला वलैसत अफिल्लाही शक, और गलत कारदी, मतलब गलत अदा मुस्तकीम, एक ऐसा लफ्ज तलाश करने का बाएस बन सकता है जो जुबान के लुगत में बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर कलम, यहाँ जो मिसाल के तौर पर आए हैं ना, यहाँ एक और भी एक ऐसा लफ्ज है जिसमें गलत भी होता है,
जो वो मिसाल के जो जुबान लुगत में होती है अरबी जुबान के लुगत में वाहिद किया जाता है, उसके मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कौन सा कलिमा ली है, कौन सी कलिमा, वो है पहलम। ठीक है, तो अभी लेंगे माजदा को फिर से, उसको बुलाएंगे कि फिर से वो पढ़े कि आप लोगों को पता चले कि सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है और गलत तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। सही पहले वो सही सही नबर वाला शुरू करेगी, फिर कहेगी वलैसत और गलत वाला शुरू करेगी। ठीक है, यला माजदा पढ़िए। तकी है फिरऔन वलैसत فأتي يا فرعون أفي الله شك وليست أفي الله شك। بارك الله فيك، فتح الله عليك ماذا। अब जैसे उसने पढ़ा है कुछ लोग जैसे ही पढ़ते हैं فأتي يا فرعون, ये सही तरीके से हुआ क्योंकि उसका नबर सही था। और जो कुछ लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं فأتي يا فرعون या फिरऔन, ये तो गलत तरीके से था। तो कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये दो तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब नबर दो जगह पर डालकर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप या कोई भी शख्स। तो आपको कैसे पता सही चलेगा, और जो दूसरे लेक्चर भी आएंगे जो आगे आगे जो दुरुस है आप लोगों को तफसीलात में आधे आधे करके सही तरीके से बताया जाएगा, तो आप लोगों को वो सीखा जाए सीखना है। और कुरान को जैसे कि अल्लाह ताला ने अंजल किया है वो सही तरीके से आप लोगों को तिलावत करना, ताबुत करना, हर किसी चीज में पढ़ना उसके ताबुत करना कुरान की आप लोगों को फर्ज है शरीय तरीके से। ठीक है, और अगर किसी को ये इल्म आ गया कि नबर के बारे में, अब ये तो अब हर किसी को पता नहीं था ना, और अगर आपको मसलन अभी पता चल गया ये इल्म जो शरीय शरीय इल्म है नबर वाला सही तरीके से, और ये बहुत ज्यादा मतलब उसकी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने में और बोलने में बहुत सारा अच्छी तरीके से है, तो अगर आप लोगों को ये पता चला इस इल्म के बारे में और आप लोगों ने जानबूझकर इस नबर को अपनी जैसे ही जगह से छोड़कर अपने ही आप मनमानी करके वो गलत जगह पर पढ़ने वाले उन लोगों को क्या होगा, आसिम लोग है वो गुनहगार। जैसे कि हम लोगों ने तीन किस्मों में लोगों को बांटा गया था, फंसने वाले मामले की जो ठीक से तरीके से पढ़ते हैं उन लोगों को अजर मिलता है, और जो माजरत वाले वो जो उन लोगों को पता चला मसलन कि ये नंबर के बारे में, फिर वो शुरू करते हैं धीरे धीरे से, कभी कभी गलती गलती हो जाती है कभी सही हो जाता है, वो लोग होते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी को ऐसा नया बनाए न करने पर, कि जो वो लोग जो होते हैं जानबूझकर गलत तरीके से पढ़ जाते हैं, उन लोगों को पता है इनके बारे में लेकिन जानबूझकर फिर भी गलत तरीके से पढ़ते हैं, वो लोग गुनहगार होते हैं। अब आते हैं लिखने में मुआफ़ा का होना। हम लोगों ने उससे पहले जो लिया था वो जो करीमा थी मा इन वलैसत मा इन मसद वलैसत मसद, ठीक है, ये जो मिसाल के तौर पर जो करीमा थी ना वो नबर के साथ नबर तजवीद के साथ जुड़ा गया, अगर नबर सही तरीके पर जगह पर रख कर पढ़ा गया तो उसकी तजवीद सही होगी, और अगर नबर गलत जगह पर रख कर पढ़ा गया तो उसकी तजवीद तो गलत हो जाएगी ना, अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगा तजवीद। और यहाँ लेंगे अगर नबर सही जगह पर आप लोगों को डालकर नबर सही जगह पर डालकर पढ़ा गया तो लिखने में जैसे कुरान में लिखा हुआ है वो कायम रहेगा, और अगर गलत जगह पर नबर डाला गया और पढ़ा गया तो लिखने में कायम नहीं रहेगा। ये शरीहा जो है ना, यहाँ जो आयतें हैं मिसाल के तौर पर, ये लिखने के जरिए है नबर के साथ और लिखने के साथ, सही तरीके से नबर किया गया तो उसका लिखना सही होगा जैसे कुरान में, और अगर गलत जगह पर नबर डाला गया और पढ़ा गया गलत जगह पर तो वो लिखने पर कायम नहीं रहेगा। अब लेते हैं मिसाल, यहाँ जो पहले जो आयत है उनमें से जो मिसाल लेंगे रौईतहुम, ये एक ही कलिमा है रौईतहुम
में ऐसे ही लिखी गई है ना, कुरान आई कहूँ नबर कहाँ है, हरफत्ता पर, जैसे कि वो लाल कलर से लिखा हुआ है, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर डालकर, मतलब अरबी में नबर डालकर, और सुनने में ता को ज्यादा कुव्वत होगी, तो होगा रो आई तहुम ता, रो आई तहुम, ये सही वाला था। और लिखने में भी आप लोग देखो, देखोगे कुरान में ऐसी इसी तरीके से लिखा हुआ है इस आयत में, ठीक है, हम लोग मिसाल के तौर पर ये आयत की है, ठीक है, और उसके सामने वही आयत वही कलिमा जो है, जो मिसाल है, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, रो आई तहुम, नंबर कहाँ डाला, ता को छोड़कर हाँ पर नगुर डाल गया। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, कहोगे कि हम लोगों को कैसे पता कि यहाँ ता पर नगुर होना चाहिए, ये सही वाला था और हाँ पर वाला गलत नगुर है, कैसे पता चलेगा। वो जैसे कि पहले से हम लोग कह रहे हैं कि जिक्र किया कि दूसरे जो लेक्चर्स आएंगे उसके जो दुरुस्त आएंगे वो धीरे धीरे से सही तरीके से तरतीब में आप लोगों को हम लोग बताया जाएंगे, शर्ह किया जाएगा तफसीलात में सहूलत में, कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा। अब ये अगला वाला लेक्चर आएगा ना, शुरू हो जाएंगे कि आप कायदों में, सियाम में, मीजान में आप लोगों को शुरू किया जाएगा कि कैसे आप लोगों को धीरे धीरे से पता चलेगा कि इस पर नबर होना चाहिए वो सही है और उस पर नबर नहीं होना चाहिए वो गलत है। लेकिन ये जो पहला लेक्चर था पिछले वाला, और ये जो आज दूसरा लेक्चर है, ये सिर्फ आम तरीके तौर पर आप लोगों को समझाया जा रहा है कि तजवीद के साथ नंबर अगर सही होगा तो सही होगा, अगर गलत होगा तो गलत, और लिखने में उसका माना, उसके आधार मुस्तकीम, उसके अदिल्ला, उसके कदीम जमाने में, उसके जड़ें, सब कुछ ये आप लोगों को आम तौर पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो एक कलिमा थी ना, जैसे कि वो कुरान में लिखी हुई है, रा आई तहुम, ता पर नगर डालकर सही वाला, उसमें सब कुछ सही, सब कुछ सही कायम है, और कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं रा आई तहुम। अब आप किसी भी शख्स को लेकर आइए जिसको नबर के बारे में कुछ भी पता नहीं, या फिर दो शख्स को लेकर आए, एक शख्स पढ़ेगा रा आई तहुम, और दूसरा शख्स होता है, हो सकता है दूसरा या तीसरा कोई भी शख्स पढ़ेगा कैसे, इस तरीके से रो आई तहुम, या फिर आप खुद ही पढ़िए, खुद ही पढ़िए अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके से रो आई तहुम, ये वाला सही है, और दूसरा वाला जो गलत है वो ले सकते रो आई तहुम, सुनने में यहाँ पर ज्यादा कुवत है, ठीक है, यहाँ गलत वाला नंबर रहा में ज्यादा कुवत है। अब आते हैं लिखने के तरीके, लिखने में क्या कुरान में ये आयत, ये जो कलिमा है इसी आयत में ये कलिमा इस तरीके से लिखी हुई है, नहीं, क्योंकि नबर गलत जगह पर डाला है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब लोग जो उसके बाद जो भी असलाफ है, सब लोग किस तरीके से पढ़ा गया है, सही जगह पर नबर डालकर पढ़ा गया है और सुनने में भी लिखा गया, तो यहाँ सही तरीके पर इस तरीके से है और गलत तरीके से इस तरीके से है, आई तहुम, ये गलत है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि मलक ने उसको पढ़ा गया, सिखाया गया कुरान, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सब लोग जो उलमा थे, जैसे अगर उन लोगों ने इस तरीके से पढ़ा, रहा आई तहुम, तो इस तरीके से लिखा जाएगा और असल में ये तरीका गलत है। तो ये हुआ ना अशर जो उसका नाम है नबर, और जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने उसकी जड़ें भी बताई कि जो पिछले पुराने जमाने में जो उलमा असलाफ कदीम हैं उन लोगों ने अपनी अपने अल्फाजों में बताया गया, जैसे कि शिया शिया, और जो करते शिया, जो मीजा के तौर पर अपने अल्फाजों में बताया गया है ईदा, आइन पर जो ईदा है वो शीन पर वो आप लोगों को पढ़ा जाएगा शिया चिया, इस तरीके से। तो जिस तरीके से वो सही लिखा हुआ था ना, वो कुरान में उसी लिखा हुआ है, तो यहाँ इस तरीके से जो सही है हरफ़त्ता पर नबर, तो कुरान में इस तरीके से लिखा गया है, तो मतलब ये सही वाला था रो आई तहुम, और जो गलत है रो आई तहुम, यहाँ दो कलिमा हो गई लिखने में, और कुरान में ये गलत है ऐसे नहीं लिखा हुआ है। दूसरी आयत जो है उनमें से कलिमा जो लेंगे
بعصاك بعصاك الحجر بعصاك الحجر عفوا بعصاك الحجر ठीक है, ये सही तरीके से फिर से पढ़ेंगे, ये सही तरीके से साद पर हरफ साद जो है इस पर नबर डालकर ये दो कलिमा पढ़ेंगे, बेअसाक और दूसरी कलिमा अलहजर। क्यों? फिर बाद में गलत तरीके पर आप लोगों को पता चलेगा क्यों। तो पढ़ेंगे बेअसाक अलहजर, ये सही तरीके से था। आते हैं गलत तरीके से, बेअसाक अलहजर بعصاك الحجر। आप लोगों को पता था, पता है कि पहला वाला जो लेक्चर था इयाक नअबुद, इयाक एक कलिमा थी, नअबुद दूसरी कलिमा थी, ये सही तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था इयाक नअबुद, है ना। और जो गलत तरीके से था इयाक, उससे जो हर्फ काफ था उसने उससे हर्फ लेकर दूसरी कलिमा से जोड़ना, या कनाबुदु, यहाँ भी उसी तरीके से यहाँ गलती हुई है। क्यों गलती हुई है? क्योंकि क्योंकि नबर गलत जगह पर पढ़ा गया है, तो लिखने में भी वही होगा जैसे हम लोगों ने गलत जगह पर पढ़ रहा है। कल हजर एक शख्स आई वो पढ़ेगा फकुल कल हजर, और दूसरा शख्स आकर पढ़ेगा فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ऐसे पढ़ा जाता है ना दो तरीके से, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही तरीका है? ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों है जैसे कि हर्फ अलबा है, आईन है, साद है, अलिफ है, काफ है, हम लोगों ने वो पढ़ा है तो खलास ये हो गया। नहीं, जैसे पढ़ा है अपनी जगह पर पढ़ो, ये जो कलिमा है अपनी जगह पर उस पर नबर डालकर पढ़ो। कैसे पता चलेगा? नबर डालकर। कैसे नबर डालकर? वो थोड़ा सा जोर डालकर, थोड़ा सा दबाव डालकर। क्यों? क्योंकि ये आसान तरीका है आप लोगों को सही और गलत होने का पता चले। तो सही जो है बेअसाक अलहजर, वलैसत मतलब जो गलत है काफ पर नबर डालना, वलैसत بعصاك الحجر كالحجر, क्या हो गया? जो पहले वाली कलिमा थी उससे हर्फ लेकर दूसरे वाली कलिमा में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? बोलने में, गलत जगह पर नबर डालने में, काफ पर। तो जैसे सुनोगे वैसे ही लिखोगे ना, कल हजर। अब आप तो तजुर्बा भी करिए, किसी शख्स को लेकर आइए या छोटे बच्चे को भी लेकर आइए, किसी को भी, उसको नंबर के बारे में कुछ मत कहो, सिर्फ ऐसे मसलन मिसाल के तौर पर कहो कि लिखो इया का नाबुदू। बच्चों बच्चों में ज्यादा होगा, क्योंकि जो दूसरा जो बच्चों के अलावा जो इंसान होगा उन लोगों को पता है कि कुरान में कैसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो कुरान को देख कर पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा हुआ इया का नाबुदू, तो वो सही तरीके से लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कुरान में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो सही तरीके से लिखेगा। तो मिसाल के तौर पर बच्चों को लेकर आइए मसलन, या फिर कोई और किसी और को जो मसलन जो कुरान उतना नहीं पढ़ता, या फिर उसको ठीक से अरबी लिखने में वो जैसे कि वो सुनता है वैसे ही लिखेगा, किसी को भी लेकर आइए, लेकिन बच्चों पर ज्यादा होगा क्योंकि वो लोग उतना उन लोगों को उतना पता नहीं होता कि किस तरीके से ये लिखा जाता है, क्योंकि वो तालीम के मरहला में होते हैं कि कैसे लिखेंगे, सही तरीके से गलत तरीके से है। ठीक है, तो उन लोगों को मसला ये है कि लिखो इयाका नअबुदु, ठीक है, आसान से धीरे से कहकर कहिए इयाका नअबुदु, या फिर ये मिसाल बिअसाका अलहजर। इयाका नअबुदु बहुत आसान है क्योंकि वो सूरत अल-फातिहा में है, हर किसी को पता है कि कुरान में कैसे लिखा हुआ। लेकिन भी आसाक अलहजर या फिर और कोई दूसरी जो कलिमा है उसके इसकी तरह, या फिर गैर मग़दूब अलैहिम, जो भी है इयाक नस्तईन, जो भी है, किसी भी मिसाल को लेकर आइए, चाहे वो कुरान में से भी नहीं है, और आप लोगों को तो देखिए कि कैसे वो लिखेंगे आसाक अलहजर।
بعصاك पहली كلمة, الحجر दूसरी كلمة, ये सही नंबर पर सुनकर वो सही लिखेंगे. लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे بعصاك الحجر कल हजर, ये जो काफ़े है कल हजर, तो लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, الَّذِينَ, और कुछ लोग बोलते हैं شُرَكَاءَ الَّذِينَ. तो इस शरीहा में हम लोगों ने क्या कहा है, इस शरीहा में जो नबर है हम लोगों ने लिया था, जो हम लोगों ने लिया था कि नबर को तजवीद के साथ जोड़ना, जैसे कि नबर तजवीद के साथ जो हमने लिया था मसद, मीम पर जद, ठीक से नबर डालकर सही तरीके से उसका तजवीद कायम रहा, और जैसे कि कहेंगे मसद आदि वाले सद मसद, ठीक है, सीन पर नबर डालकर गलत जगह पर नबर डालकर पढ़ा गया, तो मतलब उसका क्या हो गया, तजवीद के साथ उसका मतलब तो कायम नहीं रहा, माना कायम नहीं रही, उसके अदा मुस्तकम कायम नहीं रही, और उस तजवीद के साथ जरिए तजवीद को अगर देखा जाए गलत जगह पर नंबर डाला गया तो तजवीद उसका भी कायम नहीं रहेगा. और इस शरीहा में जो है रअयतहुम और वलैसत रअयतहुम, यहाँ तो कायम नहीं रहा, क्या कायम नहीं रहा, लिखना. कुरान में इस जगह जहाँ ये लिखा हुआ है ना रअयतहुम, कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस तरीके से नबर सही जगह पर डालकर बोला गया है, पढ़ा गया है, तो सुनने में भी सही तरीके से लिखा गया है जैसे कुरान में लिखा हुआ है. और जिस तरीके से यहाँ हम लोगों पढ़ेंगे रअयतहुम, तो यहाँ ये तो गलत हो गया, तो इस तरीके से कुरान में नहीं लिखा गया है ना, तो ये गलत नबर जगह पर डालकर ये गलत लिखना हुआ, गलत लिख दिया, तो ये गलत हो गया. तो इस जगह ये जो पूरे आयतें हैं ये नबर को देखकर सही जगह पर डालकर पढ़ना तो लिखने में सही तरीके से होगा, जैसे कुरान में लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ जो पूरा लिखे हुए हैं ये यहाँ कुरान में इस तरीके से लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि नबर सही जगह पर डाला गया है पढ़कर, तो ऐसे ही लिखा गया है जैसे कुरान में है. लेकिन यहाँ जो जगह पर है जो वलैसत है, यहाँ بعصاك الحجر, यहाँ तो अकाफ पर हम लोगों ने जोर डाल दिया, तो नबर गलत जगह पर आ गया, तो लिखने में गलत भी हो गया, और कुरान में इससे नहीं लिखा हुआ है. दूसरी जो कलिमा है وحرم الربا, हाँ पर ज्यादा जोर है, सुनने में हाँ पर ज्यादा कुव्वत है, तो लिखने में भी कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि उसका नबर जो है सही जगह पर डालकर बोला गया है, पढ़ा गया है, तो कुरान में ऐसे लिखा गया है, तो ये सही तरीका था. और जो गलत तरीका था, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं وحرم الربا, रा पर ज्यादा जोर डालकर नबर डालकर, सुनने में रा पर ज्यादा कुव्वत है, तो रा पर गलत जगह पर नबर डाला गया, तो लिखने में भी देखो कैसे लिखा गया, गलत तरीके से लिखा गया, तो कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है. और आखिरी जो कलिमा है शुरकाए الذين, ये بعصاك الحجر की तरह है मिसाल के तौर पर, और اياك نعبد مثال के तौर पर है اياك نعبد, और जो गलत था وليس اياك نعبد, काफ को जो पहली वाली कलिमा में काफ था ना اياك, काफ को दूसरी कलिमा से जोड़ा गया اياك نعبد, ये तो लिखने में भी गलत हो गया. और यहाँ भी इसी तरीके से شُرَكَاءَ الَّذِينَ, हमजा पर नबर है, जो हमजा उस पर नबर है और सुनने में उसमें ज्यादा कुव्वत है شُرَكَاءَ الَّذِينَ, ये सही तरीके से लिखा गया है, क्यों, क्योंकि सही तरीके से नबर पढ़ा गया है डालकर सही जगह पर. और जो गलत है यहाँ कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है, इस तरीके से सही लिखा गया है, लेकिन जो गलत जगह पर नंबर डालेंगे और पढ़ेंगे तो कैसे लिखने में आएगा, इस तरीके से शुरा वलैसत, मतलब अब गलत जो है वलैसत शुरका यल्लदीना, वलैसत शुरका यल्लदीना, यहाँ पर सबका जोर डाल दिया, सुनने में भी उसमें ज्यादा कुव्वत है, मतलब नंबर हम लोगों ने कहाँ डाला, हरफल या पर, तो लिखने में ऐसा हो जाएगा कि जो हरफ लिया था पहली कलिमा से शुरू किया
या को लेकर दूसरी क्रिया से जोड़ा गया। क्यों ऐसे जोड़ा गया लिखने में? क्योंकि जैसे सुना गया है यल्लदीना, वैसे ही लिखा गया है वलैसा शुरका यल्लदीना। ये पूरा गलत था। अब लेते हैं माजदा को, आकर पढ़ेगी पहला वाला। यहाँ जो पूरा का पूरा है वो सही है, तो पहले सही में शुरू करेगी, फिर कहेगी वलैसा और गलत वाला पढ़ेगी। यल्ला माजदा पढ़िए। रोएतहुम वलैसत रोएतहुम बिअसाकल हजर وليست بعصاك الحجر وحرم الربا وليست وحرم الربا شركائي الذين وليست شركائي الذين. بارك الله فيك، فتح الله عليك ماجدة. दूसरी मिसाल भी है, आयत है वैसा के तौर पर। नबर को अगर सही जगह पर डाला गया पढ़ने पर तो लिखने में सही तरीके से होगा, जैसे कुरान में लिखा गया है, जैसे कि ये कलिमा इस आयतों में। ये मिसाल के तौर पर ये हम लोगों ने मिसाल दिया है। और अगर नबर को गलत जगह पर डाला गया पढ़ने में, तो जैसे सुनोगे जिस शख्स ने पढ़ा है उसको सुनकर गलत जगह पर उसने नंबर डालकर पढ़ा गया है, तो लिखने में भी गलत हो जाएगा, जो कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है। तो आकर लेते हैं मिसाल इस आयत में, जो ये करीमा है सलहुम सलहुम। नंबर कहाँ है? हर्फ सीन पर, जैसे वो कर्ण से लिखी गई है सलहुम। अब बोलने में जब आकर पढ़ोगे तो सीन पर थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल दो या फिर दबाव डाल दो, जो भी आपको समझ में आए। लेकिन अरबी में हम लोग कहते हैं नबर डाल, ठीक है? तो सुनने में सी हरफ सीन जो है उसमें ज्यादा कुवत होगी। सलहुम सलहुम सलहुम, ये सही वाला था। सही जगह पर नबर डाला तो सही तरीके से लिख गया, जैसे कुरान में लिखा गया है। और सामने जो है वही आयत है और वही किलमा है, लेकिन नबर अलग जगह पर अलग हक पर डालेंगे, जैसे कि सीन को छोड़कर हा पर डालेंगे। लाम पर क्यों नहीं डालेंगे? जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में कहा था, जिस हर्फ पर सुकून है उस पर कभी भी नबर नहीं होता, नजर आता ही नहीं, ठीक है? तो हर्फ पर हा पर नबर डालेंगे तो कुछ लोग इस तरीके से पढ़ेंगे सलहुम सलहुम सलहुम, और ये गलत वाला था। क्यों? क्योंकि लिखने में दो कलीमा हो गई, वहां जो सही था सलहुम एक ही कलीमा है, उसके माना उसके अदा मुस्तकीम सब कुछ तजवीद सब कुछ वो सही था, और लिखने में भी कुरान में सही है, जो सही तरीके से पढ़ा गया सही नंबर डाला गया। लेकिन गलत जगह पर नंबर डालकर ये जो एक कलीमा थी सलहुम क्या हो गई? दो कलीमा हो गई सलहुम, और लिखने में भी गलत है, जो कुरान में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो जो सही है सलहुम वलैसत सलहुम। दूसरी जो आयत है उसमें जो कलिमा हम लोगों ने मिसाल के तौर पर ली है युमिन 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 युमिन। मीम पर ज्यादा कुवत है सुनने में और बोलने में उस पर थोड़ा जोर है, मतलब नबर है। तो हरफ़ मीम जो लाल कलर से लिखी हुई है उस पर नबर है, तो उस पर कैसे पढ़ा जाएगा यूमिन? तो इस तरीके से कुरान में लिखी गई है, तो उसकी माना अपनी जगह पर कायम और उसके अदा अल मुस्तकीम भी कायम है, ठीक है? आकर देखते हैं वही आयत उसी कलिमा में नबर को अलग जगह पर डालेंगे जो गलत जगह पर है, तो क्या होगा? युमिन 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 युमिन। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर ज्यादा कुवत थी सुनने में
और बोलने में उस पर ज्यादा जोर जोर था, थोड़ा सा जोर था, मतलब दबाव था, मतलब अरबी में कहेंगे नबर था। ठीक है, तो इस यहाँ तो जो यहाँ तजवीद भी है वो भी यहाँ ठीक से जाहिर नहीं हुआ, तो कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है नून पर सिर्फ फतहा होना, लेकिन पढ़ने पर, हम लोगों ने पढ़ने पर वक्त पर पढ़ा है ना, तो सुकून होगा, लेकिन लिखने में देखो उस पर कौन सी हरकत है। यू मीन यहाँ तो कोई तजवीद का नहीं है, तो लिखने में यहाँ भी अलग हो गया, जो कुरान में इस तरह नहीं लिखा गया है, तो सही तरीके से है यू मीन वलैसत, मतलब ये जो गलत है वलैसत यू मीन। आखिरी जो मिसाल है उस पर जो कलिमा है वाला वाला वाला, जो कलिमा है आला उसके साथ वाव शरीक हुआ है, तो नबर कहाँ पर होगा, हर्फल आइन पर, जैसे वो रेड कलर से लिखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा बोलने में ये जो लफ्ज है आला वाला आइन पर ज्यादा जोर डालो थोड़ा सा, और सुनने में उसमें हर्फल आइन पर ज्यादा कुव्वत होगी सुनने में, तो सही तरीके से ऐसे पढ़ेंगे वाला वलैसत, मतलब जो गलत है वाला वाला वलैसत वाला, कहाँ हम लोगों ने जोर डाला हर्फल वाव पर, सुनने में वाव को भी ज्यादा कुव्वत है वाला वाव पर, तो ये गलत है, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या, गलत, कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है, तो ये वाला वाला दोनों ही मुआफ़क़त है, दोनों ही एक ही तरह है क्या, नहीं ये कुरान में लिखी गई है क्योंकि इसका नबर सही जगह पर डाला गया है बोलने में पढ़ने में, और ये गलत है की तरह नहीं है, क्यों, क्योंकि सुनने में हम लोगों ने नबर कहाँ डाला है हर्फ वाव पर, और लिखने में भी गलत हो गया, और कुरान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है, तो सही जो है वाला वलैसत, यहाँ जो गलत है वो लैसत वो आला। अब फिर से लेंगे माजदा को, वो पढ़ेगी पहली सही तरीके से, फिर बाद में कहेगी वो लैसत, वो लैसत के बाद कहेगी गलत वाला नंबर, ठीक है, यहाँ माजदा पढ़िए सेल होम वो लैसत सेल होम यू मीन वो लैसत यू मीन وعلى وليست وعلى، بارك الله فيك فتح الله عليك مرتب، उसने क्या कहा किया, उसने सही तरीके से पहले पढ़ा सलमून, फिर उसने कहा वलैसत, मतलब अब गलत वाला शुरू हो जाएगा नंबर वाला, तो कहा वलैसत सलमून इस तरीके से। अब आते हैं आखिर में, आखिर जो मौजू है इस लेक्चर में, ये जो दूसरा लेक्चर था आखिरी मौजू था सहत सनद, ठीक है, उसकी जो आयत है, अब आयत के हम लोग उसका थोड़ा सा माना बताएंगे, तो आम है, मतलब आमतौर पर उसका माना बताएंगे, उस माना के साथ इस आयत के साथ नबर के साथ जुड़ा गया है और अदान मुस्तकीम के साथ भी जुड़ा गया है। अब पढ़ेंगे आयत फिर बाद में उसकी शर्ह करेंगे। قرآنا इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने उस वादह अल्फाज और आसान माने के साथ अरबी कुरान है खास तौर पर अरबों के लिए, ये जो कुरान लिखा गया है अरबी लहजे में लिखा गया है, क्यों खास तौर पर अरबों के लिए खास तौर पर, लेकिन आमतौर पर इस्लाम असल में अरबी में है ना, लेकिन खास तौर पर ये कुरान अरबी में क्यों लिखा गया है, खास तौर पर अरबों के लिए, क्योंकि वो मुअज्जज़ा थी ना, तो अरबों के लिए खास तौर पर, उसमें ना कोई ऐब है और ना कोई कमी है और उसके लिए कामिल इतदाल और इस्तिकामत है, तो जैसे कि उसने जिक्र किया गया है शर्त में क्या, कामिल इतदाल और इस्तिकामत है, तो नबर में अगर आपने करीमा को जो भी कलिमा है किसी भी आयत में, हर आयत में जो भी है, जो आयत में है ना, तो हर कलिमा जो है उसमें नबर आता है सही वाला और गलत वाला भी, तो आप लोगों को सही वाला कैसे पता चलेगा,
वो जो आगे आगे जो दुरुस्त आएंगे धीरे धीरे से तफसीलात में तकसीमात में आसानी से आप लोगों को सिखाया जाएगा। और उसके क्लासेस भी है, आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ क्लास में मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बहुत सारे क्लास है। इस नंबर पर तदरीब करना मतलब सीखना, ठीक है, सीखा जाएगा आप लोगों। आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को पढ़ा जाएगा कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, और आप लोगों को कैसे पता चलेगा उस क्लास में भी आप लोगों को समझाया जाएगा। और लेक्चर में ये जो हम लोग आधे आधे करके लेक्चर आप लोगों को समझा रहे हैं, जो तीसरा लेक्चर आएगा वहां से शुरू होगा कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा। और ध्यान में रहना चाहिए कि सही जो नंबर है ना, सही जगह पर डालकर उसका नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा होता है कि उस कलिमा का माना अपनी जगह पर कायम होता है, और उसके अदाए मुस्तकीम जो कामिल एतिदाल में सही इस्तिकामत में पढ़ा जाता है, जो यहाँ इस कुरान इस आयत में जिक्र किया गया है, कुरान मतलब सही एतिदाल इस्तिकामत में, ठीक है, लअल्लहुम यत्तकून, तो सही इस्तिकामत में पढ़ाया जाता है। और नंबर जो सही जगह पर होता है तो उसकी इस्तकामत भी सही होती है, और तजवीद के साथ भी उसका तजवीद भी सही कायम रहता है। और लिखने में जैसे कुरान में लिखा हो गया है, वैसे उसी तरह से आप लोगों को पाया जाएगा कि हाँ सही जगह पर नंबर डालकर मतलब वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कुरान में लिखा गया है। लेकिन अगर गलत नंबर जगह पर डालोगे, जिस कलिमा में गलत जगह पर डालोगे नंबर, तो उसके नतीजा क्या होगे, माना कायम नहीं रहेगी, इस्तकामत अदा मुस्तकीम कायम नहीं रहेगी, और उसका तजवीद भी कायम नहीं रहेगा, उसके अदा मुस्तकीम भी कायम नहीं रहेगा, और उसका लिखने का भी तरीका कुरान की तरह नहीं रहेगा। और कुरान में इसे सख्वान तो लिखने में गलत नहीं है, तो इस आयत में ये सही तरीके से कहा गया है कि एतदाल अदा मुस्तकीम में पढ़ा जाए कुरान को। यहाँ हम लोग खत्म करते हैं, ये आखिरी चीज थी। अब देखेंगे तीसरे वाले लेक्चर में, जिस तीसरे वाले लेक्चर में आप लोगों को सही तरीके से मीजान के बारे में, कवायद के बारे में कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि इस कलिमा में नंबर डाला जाता है इसमें नहीं, किस तरीके से वो तफसीलात में अच्छी तरह से कैसे सहूलत में आप लोगों को पता चलेगा। और उसके क्लासेस भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरे क्लास भी है जो कुरान की तिलावत भी है, पूरे का पूरा जो कुरान में जो मसलन पहले दिन को आप लोगों को कुरान पढ़ने के तिलावत करने पर पहला जो सफ़ा है वो पढ़ोगे, उसमें जो भी आप लोगों को जो गलतियां होगी वो आप लोगों को सही तरीके से बताया जाएगा कि इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से नहीं पढ़ना। तो आप लोगों को धीरे धीरे से सब कुछ सही तरीके से कुरान को सही नंबर जगह पर डालकर पढ़कर आप लोग सीख जाओगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ हम लोग इजाजत देते हैं, आप सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।